नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इन्फिल्ट्रेशन का। रेट ऑफ रेनफॉल फॉर सक्सेसिव 30 मिनट पीरियड ऑफ अ 3 आवर स्टॉर्म आर 1.6, 3.6, 5, 2.8, 2.2, 1 सेंटीमीटर पर आवर। तो ये क्या दिया हुआ, ये रेनफॉल डेप्थ है कि रेनफॉल इंटेंसिटी है? ये रेनफॉल डेप्थ नहीं है, ये रेनफॉल इंटेंसिटी है, क्योंकि यूनिट क्या है इसका, सेंटीमीटर पर आवर। ठीक है, सरफेस रन ऑफ इज 3.6 सेंटीमीटर, एस्टिमेट फाई इंडेक्स। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे हम, पहले हम बनाएंगे टेबल। ठीक है, तो टेबल में क्या क्या होगा आपका, टाइम होगा, टाइम किस में है, इन 30 मिनट्स में है ना, तो हम इसको ले लेते हैं इन आवर्स। ठीक है, आप इसको मिनट में भी ले सकते हो, आवर्स में भी ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, रेनफॉल इंटेंसिटी, रेनफॉल इंटेंसिटी ये किस में है, इन सेंटीमीटर पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट हम लिख लेते हैं रेनफॉल डेप्थ। मैंने आपको बताया जब भी अगर मतलब वन आवर का इंटरवल ना रहे तो आपको रेनफॉल डेप्थ भी बनाना है और रेनफॉल इंटेंसिटी भी बनाना है। ठीक है, दोनों ही बनाना है टेबल में, रेनफॉल डेप्थ ये किस में होगी, ये होगी सेंटीमीटर। ठीक है, चलो पहला ड्यूरेशन क्या लिख देंगे हम, लिख सकते हैं हम 0.5 आवर्स, 1 आवर, 1.5, 2, 2.5, 3, आधे आधे घंटे का है तो आवर में हम ऐसे बांट सकते हैं इसको। नेक्स्ट इंटेंसिटी कितनी है, इसमें है 1.6, इसमें है 3.6, 5, 2.8, 2.2, 1। ठीक है, क्लियर है। अब हम देखते हैं रेनफॉल डेप्थ कितनी होगी, जब इंटेंसिटी थी 1.6 सेंटीमीटर पर आवर, मतलब एक घंटे में कितनी बारिश होगी, 1.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बताओ कि आधे घंटे में कितनी होगी, क्योंकि यहां पे ड्यूरेशन कितना है, आधा घंटा है ना, तो कितनी हो जाएगी, यहां हो जाएगी 0.8 सेंटीमीटर। ठीक है, 0.8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इसमें क्या हो जाएगा, 1.8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इसमें क्या होगा, 2.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वाले में 1.4, 1.1, 0.5। क्लियर है, चलिए अब टेबल रेडी है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट ट्रायल निकालना क्या है, क्योंकि फाई इंडेक्स निकालने के लिए फर्स्ट ट्रायल करेंगे। फर्स्ट ट्रायल, ठीक है, अब बताओ इसमें पी क्या हो जाएगा, इसमें पी हो जाएगा, पी मतलब टोटल प्रेसिपिटेशन। टोटल प्रेसिपिटेशन के लिए मैं क्या करता हूं, रेनफॉल डेप्थ को ऐड करता हूं। ठीक है, इंटेंसिटी को ऐड नहीं करना है। 0.8 इन प्लस 1.8 कितना हो जाएगा, 2.6, 5.1, 6.5, 7.6, 8.1 सेंटीमीटर, 8.1 सेंटीमीटर। आर ऑलरेडी गिवन है, कितना है आर मेरे पास, आर है मेरे पास 3.6 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो अब पी भी है, आर भी है, फाई इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, उसके पहले हम टी ई, फर्स्ट ट्रायल में टी ई क्या लेते हैं हम, टी ई लेंगे हम 3 आवर्स। ठीक है, जितना टोटल ड्यूरेशन लेता है वही ले लेते हैं फर्स्ट ट्रायल में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं फाई इंडेक्स। फाई इंडेक्स इज इक्वल्स टू 8.1, फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, चलो पी माइनस आर डिवाइडेड बाय टी ई। ठीक है, P कितना है, P है 8.1 माइनस 3.6 डिवाइडेड बाय 3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा आंसर, ये आएगा 8.1 माइनस 3.6 डिवाइडेड बाय 3, ये आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखो 1.5 से छोटा कौन कौन है, और चेक क्या करेंगे हम, इसका यूनिट है सेंटीमीटर पर आवर, तो आप चेक क्या करोगे, सेंटीमीटर पर आवर मतलब इंटेंसिटी चेक करोगे। ठीक है, तो पहले वाले का सही है इंटेंसिटी, चलिए इसकी तो सही है इंटेंसिटी, कितनी है 1.6, तो 1.6 1.5 से ज्यादा है ना,
तो फिर ये क्या होगा, इसको कंसिडर करेंगे, इसमें रन ऑफ होगा, इसमें होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, किसमें नहीं होगा, लास्ट वाले में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कितना है, वन है, ठीक है, और वन क्या है, 1.5 से छोटा है, तो इसमें रन ऑफ नहीं होगा। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट ट्रायल देखते हैं, सेकेंड ट्रायल, सेकेंड ट्रायल। अब सेकेंड ट्रायल में मेरा पी कितना हो जाएगा, क्योंकि मैं इसको कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, किसको कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, लास्ट वाले को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ लास्ट वाले को कंसीडर, क्योंकि इसका इंटेंसिटी कितनी थी, 1, जो कि 1.5 से कम थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देखेंगे पी कितना हो जाएगा इस बार। अब हम उसको 0.5 को ऐड नहीं करेंगे, है ना, तो 0.5 इससे माइनस कर दो सीधा, सबको ऐड करने से अच्छा 0.5 इससे माइनस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 7.6 सेंटीमीटर। क्लियर है, चलो अब हम देखते हैं आर, आर की वैल्यू में कोई चेंज आएगा, आर की वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि जो हमने एलिमिनेट किया है इसमें रन ऑफ हो रहा था क्या, नहीं हो रहा था ना रन ऑफ, क्योंकि इस टाइम पे इंटेंसिटी इन्फिल्ट्रेशन से भी कम थी। ठीक है, तो जब भी इंटेंसिटी इन्फिल्ट्रेशन से कम होती है तो रन ऑफ नहीं होता, अगर इंटेंसिटी इन्फिल्ट्रेशन से ज्यादा है तभी रन ऑफ पॉसिबल है। ठीक है, तो रन ऑफ कितना रहेगा, 3.6 सेंटीमीटर। अब हम देख लेते हैं TE कितना होगा, इफेक्टिव टाइम ऑफ रन ऑफ, ये आधा घंटा कट जाएगा तो ये बन जाएगा 2.5 आवर्स। चलिए अब फिर से देखते हैं हम फाई इंडेक्स क्या हो जाएगा, फाई इंडेक्स हो जाएगा पी माइनस आर, तो 7.6 माइनस 3.6 डिवाइडेड बाय 2.5 कितना आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 2.5 ये आ जाएगा आपका 1.6 सेंटीमीटर पर आवर। चलो अब चेक करते हैं फिर से, अब कोई इससे छोटा है क्या, नहीं, लेकिन इसके बराबर है, इसके बराबर कौन है, एग्जैक्ट बराबर है ये वाला, तो इसमें रन ऑफ होगा क्या, पहले वाले में भी रन ऑफ नहीं होगा, लेकिन एग्जैक्ट बराबर था, तो अगर आप थर्ड ट्रायल भी लोगे, अगर आप थर्ड ट्रायल भी लोगे तो भी क्या होगा, थर्ड ट्रायल में, थर्ड ट्रायल में भी आपका 1.6 ही आएगा। चलो मैं यहीं करके दिखा देता हूं आपको थर्ड ट्रायल, ठीक है, थर्ड ट्रायल ठीक है, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं, अब पी कितना हो जाएगा, अब पी हो जाएगा कितना माइनस होगा, 0.8 माइनस हो जाएगा इससे, तो ये हो जाएगा 6.8, आर तो वही रहेगा 3.6, टी हो जाएगा 2 आवर्स। ठीक है, चलो तो फाई इंडेक्स क्या हो जाएगा, फाई इंडेक्स हो जाएगा 6.8 माइनस 3.6 कितना होगा, 3.2, है ना, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 3.2 डिवाइडेड बाय 2, 1.6 सेंटीमीटर पर आवर। ठीक है, तो थर्ड ट्रायल की जरूरत नहीं थी क्योंकि बराबर था इसीलिए। ठीक है, लेकिन करके देखेंगे एग्जाम में, एक स्टेप ज्यादा करने से कुछ आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आंसर पक्का हो जाएगा लेकिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ रेनफॉल ऑन 5 सक्सेसिव डेज इन अ कैचमेंट वर मेजर्ड एज 3, 8, 12, 6, 2 सेंटीमीटर इफ द टोटल रन ऑफ एट द आउटलेट फ्रॉम द कैचमेंट वॉज 15 सेंटीमीटर द वैल्यू ऑफ फाई इंडेक्स इज। ठीक है, अब क्या करना है हमको, फाई इंडेक्स निकालना है, इसमें किससे दिया है और फाई इंडेक्स किस यूनिट में निकालना है, mm पर आवर में। ठीक है, टाइम पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बना लेंगे टेबल। ठीक है, टेबल क्या बनाओगे आप, टाइम इन डेज, नेक्स्ट क्या होगा, रेनफॉल, डेप्थ। अब क्योंकि इसमें इंटरवल क्या है, एक एक दिन का है, है ना, तो इंटेंसिटी की जरूरत नहीं है। ठीक है, रेनफॉल डेप्थ लिख देते हैं हम सेंटीमीटर में। चलो लेकिन आप बनाएंगे तो और आपको अच्छा ही रहेगा। ठीक है, चलिए 1, 2, 3, 4, 5 डेज, रीडिंग क्या है, 3, 8, 12, 6, 2 ठीक है, आ गया।
नेक्स्ट अब हम देखते हैं हमारा रन ऑफ कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले हम क्या निकालते हैं, फर्स्ट ट्रायल करते हैं ना, फर्स्ट ट्रायल पी कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा मेरा, ऐड करना पड़ेगा सबको, तो 3 + 8 = 11, 11 और 12 = 23, 23 और 6 = 29, 29 + 2 = 31। ठीक है, चलो 31 लिख देते हैं हम, 31 सेंटीमीटर। रन ऑफ कितना है, रन ऑफ 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, आ गया इतना। अब हम नेक्स्ट करते हैं फाई इंडेक्स, फाई इंडेक्स कितना आ रहा है, फाई इंडेक्स आ रहा है मेरा 31 - 15 डिवाइडेड बाय कितने दिन थे, 5। कितना आ रहा है, ये आ रहा है 16 / 5, 3.2 सेंटीमीटर पर डे। तो सेकेंड ट्रायल की जरूरत है क्या, बोर्ड में देखेंगे, सेकेंड ट्रायल की जरूरत है क्या, सेकेंड ट्रायल की जरूरत है। क्यों, क्योंकि आया है मेरा 3.2 और ये 3 और वो 2 छोटा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसल, ये भी क्या हो जाएगा, कैंसल। ठीक है, तो ये दोनों क्योंकि इनमें रन ऑफ नहीं हो रहा था। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे सेकेंड ट्रायल। ठीक है, सेकेंड ट्रायल में क्या होगा, सेकेंड ट्रायल में मेरा पी कितना हो जाएगा, अब ऑटोमेटिक इस 31 से 5 कट जाएगा, 3 ये और 2 वो, तो कितना हो जाएगा, 26 सेंटीमीटर, आर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, यहां मैंने टी नहीं लिखा था, टी हो जाएगा 5 डेज यहां पे, लेकिन सेकेंड ट्रायल में टी कितना हो जाएगा, सेकेंड ट्रायल में टी हो जाएगा 3 डेज। ठीक है, कितना हो जाएगा, 3 डेज। चलिए अब निकालते हैं फाई इंडेक्स, अब कितना आ रहा है, 26 - 15 / 3। ठीक है, तो ये कर लेते हैं हम, 26 - 15 / 3, ये आ गया 3.67 सेंटीमीटर पर डे। अभी भी कोई इससे ज्यादा है क्या, नहीं है, तो यही मेरा आंसर है। लेकिन यूनिट क्या था मेरा, एमएम पर आवर, किसमें पूछा था, एमएम पर आवर में। ठीक है, तो इसको मेरे को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एमएम पर आवर में। कैसे करूंगा मैं, देख लेते हैं, 36.7 लिख सकता हूं मैं, एमएम में हो गया ये, या फिर अपन डायरेक्ट करते हैं 3.67 × 10। ठीक है, ताकि सेंटीमीटर से एमएम में हो जाए, डिवाइडेड बाय 24, क्योंकि 24 आवर्स होते हैं ना डे में। चलो 36.7 / 24, ये आ जाएगा आपका 1.529 mm/h। ठीक है, क्लियर है आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ड्यूरिंग अ 6 आवर स्टॉर्म द रेनफॉल इंटेंसिटी वॉज 0.8 cm/h। ठीक है, इंटेंसिटी दी हुई है, 6 घंटे की बारिश है, तो टोटल बारिश कितनी हो जाएगी, 6 × 0.8 = 4.8 cm। ठीक है, ऑन द कैचमेंट एरिया वॉज 8.6 cm², द मेजर्ड रन ऑफ वॉल्यूम ड्यूरिंग दिस पीरियड इज दिस, द टोटल रेनफॉल लॉस्ट ड्यू टू इन्फिल्ट्रेशन इवोपरेशन एंड ट्रांसपीरेशन इन सेंटीमीटर इज। ठीक है, तो हम ऑब्वियसली फाई इंडेक्स लगाते हैं, क्योंकि बाकी ये सब चीजें हम क्या कंसिडर करते हैं, कि वो इन्फिल्ट्रेट ही हुए होंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेंगे हम, आप क्या निकाल लोगे इसमें, डायरेक्ट फाई इंडेक्स। ठीक है, फाई इंडेक्स, फाई इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, पी माइनस आर डिवाइडेड बाई टी। अब पी और आर जो है वो अलग अलग यूनिट्स में है, है ना, आर जो है रन ऑफ जो है वो है मीटर क्यूब में, और वो किस में है, सेंटीमीटर में, तो क्या किसी ना किसी को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आर को कन्वर्ट कर लेते हैं, रन ऑफ इज इक्वल्स टू 256,000 m³ डिवाइडेड बाय एरिया, कितना है, एरिया है 8.6 × 10⁶। ठीक है, तो कितना आ रहा है ये चेक कर लेते हैं हम, ये आएगा 265,000 डिवाइडेड बाय 8.6 × 10⁶। ये आ जाएगा मेरा 0.2
0.02976 मीटर, ठीक है। सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर में हो जाएगा 2.976 सेंटीमीटर। रन ऑफ आ गया मेरा। अब हम देखते हैं कि मेरा रेनफॉल कितना हो जाएगा, रेनफॉल हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा ना, इसको प्रेसिपिटेशन लिख देते हैं, रेनफॉल हो जाएगा 0.8 × 6 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब फाइ इंडेक्स के फॉर्मूले में रख देते हैं, 4.8 − 2.976 डिवाइडेड बाय कितने घंटे की बारिश थी, 6 घंटे की, इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4.8 / 6 − 2.976, ये आ जाएगा 0.304 सेंटीमीटर। तो आंसर किस में पूछा है हमको, सेंटीमीटर पर आवर में, तो यूनिट क्या हो जाएगा इसका, सेंटीमीटर पर आवर, यही क्या होगा आपका आंसर, क्लियर है। चलिए एक और लास्ट देखते हैं प्रॉब्लम। एन आइसोलेटेड 4 आवर स्टॉर्म अकर्ड ओवर अ कैचमेंट एज फॉलोज, फर्स्ट आवर इज 9, सेकेंड 28, थर्ड 12, फोर इज 7, ठीक है। क्या निकालना है, द फाई इंडेक्स फॉर द कैचमेंट दिया हुआ है 10 mm पर आवर, ठीक है। एस्टिमेट रन ऑफ डेप्थ, रन ऑफ की डेप्थ पूछा है आपको, तो देखो इसमें ना बहुत लॉजिक लगाना है, दिमाग एकदम इजी क्वेश्चन है। ये कितना दिया है फाई इंडेक्स, 10 mm पर आवर, तो आपको पता है पूछा क्या है, रन ऑफ डेप्थ, तो आपको पता है कि अगर इससे कम होता है क्या, बारिश, ठीक है, इससे कम होती है बारिश या इससे कम होती है रेनफॉल, तो उस टाइम पे क्या नहीं होता है, उस टाइम पे रन ऑफ नहीं होता है। तो कौन कौन से घंटों में रन ऑफ नहीं होगा, इसमें नहीं होगा और इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, फाई इंडेक्स इज इक्वल्स टू क्या करोगे आप, P − R / TE, ठीक है, यहां पे कर देता हूं मैं, है ना, यही लगेगा फॉर्मूला। अब मेरे पास फाई इंडेक्स कितना है, 10 दिया हुआ है, P कितना हो जाएगा, P हो जाएगा 40, 28 + 12 = 40, बाकी को कंसीडर नहीं करना है, नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। −R / कितने आवर है, 2 घंटे हैं बस, 4 नहीं है, है ना, तो डिवाइडेड बाय 2, R इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 40 − 20, तो आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। आ गया रन ऑफ डेप्थ, डायरेक्ट सिंपल था क्वेश्चन, बस हमको डाटा देख के उठाना था, ठीक है, क्योंकि अगर इससे कम है तो उसमें रन ऑफ नहीं होगा, तो हम उसको कंसिडर क्यों करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, चलिए पहले एक और प्रॉब्लम देखते हैं ना। अ 4 आवर स्टॉर्म अकर ओवर एन 80 km² कैचमेंट एरिया, ठीक है। फिर क्या हुआ, ये एरिया बटा हुआ है ना अलग अलग में, एक कुछ है 15 km² का, कुछ 25 का है, कुछ 35 का है, कुछ 5 का है, तो आपको पता है कि फाई इंडेक्स भी डिफर करता है ना अकॉर्डिंग टू द सॉइल, तो यहाँ पे दिया हुआ है फाई इंडेक्स भी, फर्स्ट आवर में क्या क्या बारिश हुई हर एरिया में वो दिया है, सेकेंड आवर, थर्ड आवर, फोर्थ आवर, ठीक है। निकालना क्या है, कैलकुलेट रन ऑफ फ्रॉम द कैचमेंट एंड अवरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इफेक्टिव रेनफॉल फॉर द होल कैचमेंट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अवरली निकाल लेंगे, उसको ऐड कर देंगे तो ऑटोमेटिक पूरा वाला आ जाएगा, ठीक है। तो पहले करेंगे फर्स्ट आवर के लिए, है ना, पहले तो आप कॉमन देख लोगे, मतलब पहले ऐसे ही देखोगे तो आपको पता चलेगा कि फोर्थ आवर में रन ऑफ हो ही नहीं रहा है, चेक करेंगे, है ना। देखो फर्स्ट मतलब इस कैचमेंट के लिए कितना है फाई इंडेक्स, 10, ठीक है, यहां पे बारिश कितनी हुई है 10, तो रन ऑफ होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है 15, ठीक है, बारिश हुई है 8, तो रन ऑफ होगा क्या, नहीं, कम है ना। ये है 21, बारिश हुई है 6, होगा रन ऑफ, नहीं होगा। 16 है इन्फिल्ट्रेशन और बारिश हुई है 8, तो होगी क्या, नहीं। तो हमको पता चल गया कि फोर्थ आवर में तो कोई भी रन ऑफ नहीं हो रहा है, तो इसको तो कर देंगे हम कैंसल, ठीक है। अब हम निकालेंगे रन ऑफ फॉर
फर्स्ट आवर, ठीक है, रन ऑफ फॉर फर्स्ट आवर, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लेंगे क्या क्या है। फर्स्ट आवर में एरिया लिख लेते हैं हम, 15 है एरिया, एरिया ए से लिखूंगा एरिया, फाई इंडेक्स, ठीक है, और रेनफॉल इंटेंसिटी लिख देता हूं मैं, या रेनफॉल डेप्थ दी है तो ये मैं कर देता हूं पी से, ठीक है, प्रेसिपिटेशन डेप्थ। एरिया है 15, 25, 35 और 5, ठीक है, फाई इंडेक्स है 10, 15, 21 और 16, ठीक है। अब बारिश कितनी हुई है पहले घंटे में, इस वाले कैचमेंट में हुई है 16, ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ फर्स्ट कैचमेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। 16, दूसरे में कितनी हुई है 16, फिर हुई है 12, फिर हुई है 15, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि रन ऑफ कितना होगा, आर से रन ऑफ बता देता हूं मैं, है ना। तो क्या करोगे रन ऑफ निकालने के लिए, प्रेसिपिटेशन माइनस फाई इंडेक्स कितना आ रहा है, 16 माइनस 10 6, 16 माइनस 15 1, 12 माइनस 21 माइनस में आ रहा है जब आंसर, तो आप कंसिडर नहीं करोगे, यहाँ पे रन ऑफ क्या होगा, जीरो, क्योंकि फाई इंडेक्स बड़ा है रन ऑफ से, यहाँ पे भी फाई इंडेक्स बड़ा है रन ऑफ से, ठीक है, क्लियर है। अब हम देख लेते हैं रन ऑफ की वॉल्यूम क्या होगी। रन ऑफ की वॉल्यूम कैसे निकालोगे आप, देख लेता हूं मैं, बता रहा हूं आपको, वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ क्या करोगे, डेप्थ को एरिया से मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया यहां पे, हो गया 90, 6 × 15 90, 1 × 25 25, तो टोटल कितना आ गया ये, जीरो, जीरो टोटल कितनी आ गई मेरी वॉल्यूम, आ गई मेरे पास 115, 115 आया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको एरिया से डिवाइड करते हैं, तब तो आती है रन ऑफ डेप्थ, है ना। हमको क्या निकालना है, आवरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इफेक्टिव रेनफॉल, या फिर कैलकुलेट रन ऑफ डेप्थ। तो क्या करोगे आप, निकालेंगे हम रन ऑफ डेप्थ, है ना, फर्स्ट आवर, फर्स्ट आवर रन ऑफ डेप्थ, फर्स्ट आवर रन ऑफ डेप्थ कितनी हो जाएगी, फर्स्ट आवर रन ऑफ डेप्थ वॉल्यूम अपॉन कैचमेंट एरिया, वॉल्यूम कितना है 115, कैचमेंट एरिया है 80, ठीक है, कितना आ जाएगा, ये है 80, कितना 80 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, 80 क्या है किलोमीटर स्क्वायर। अब मैंने क्या किया है, इसमें भी किलोमीटर स्क्वायर को उतना ध्यान नहीं दिया था, है ना, मल्टीप्लाई करते टाइम, तो अभी भी हम इसमें भी किलोमीटर स्क्वायर इंक्लूडेड है ना, तो हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो एमएम में आ जाएगा आंसर, है ना। जबरदस्ती बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऊपर भी किलोमीटर स्क्वायर ऑलरेडी ऐड है, क्योंकि ये सब किस में थे, किलोमीटर स्क्वायर में था ना एरिया मेरा पूरा, ठीक है। तो या तो आप यहाँ पे भी 10^6 लेके चलो, ठीक है, क्योंकि किलोमीटर स्क्वायर है तो 10^6 लेके चलो, या फिर आप नॉर्मल इसको डिवाइड कर दो 80 से, आपका एमएम में आ जाएगा आंसर, क्यों, क्योंकि प्रेसिपिटेशन किस में दिया था, एमएम में, ठीक है। तो या तो मैं इसको कर देता हूँ × 10^6, है ना, क्योंकि ये भी कितना हो जाएगा, सॉरी 10^4, 10^4, ठीक है, या फिर आप इसको नॉर्मल भी रख सकते हो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नॉर्मल हमने किया, आंसर किस में आएगा, एमएम में, 115 डिवाइडेड बाय 80, सॉरी 115 डिवाइडेड बाय 80, ये आएगा 1.4375 mm, ठीक है। बढ़ाने का मतलब नहीं है, आप चाहो तो बढ़ा सकते हो, है ना, ये एमएम में है, फिर इसको एमएम से मीटर में लाना पड़ेगा, तो × 10^-3 करना पड़ेगा वहां पे, फिर मीटर में आएगा आपका आंसर, फिर उसको डिवाइड करो, आंसर यही आएगा अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, यही आएगा और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो या तो आप वो मेथड भी लगा सकते हो, या फिर आप ये भी लगा सकते हो, यहां हमने लिखा ही नहीं था, रन ऑफ फॉर फर्स्ट आवर, ठीक है। नेक्स्ट वाला मैं आपको किलोमीटर वाले से करवा दूंगा, ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं। फॉर सेकेंड आवर, है ना, रन ऑफ फॉर सेकेंड आवर, तो रन ऑफ फॉर सेकेंड आवर क्या हो जाएगा, पहले हम लिख लेते हैं वही एरिया, एरिया फाई इंडेक्स पी आर, ठीक है, ऐसे टेबल बना लिया हमने, और नेक्स्ट होगा वॉल्यूम ऑफ
रन ऑफ, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ। चलो अब हम देख लेते हैं, अब एरिया कितना है आपका, एरिया तो सेम है वही 15, 25, 35 और 5, ठीक है। अब हम देखते हैं फाई इंडेक्स भी तो सेम ही है, क्या है 10, 15, 21, 16, ठीक है। अब देखते हैं बारिश कितनी हुई है, बारिश तो हुई है कितनी 48, 42, 40 और 42, ठीक है। चल अब हम निकाल लेते हैं रन ऑफ, रन ऑफ कितना आ जाएगा, रन ऑफ क्या करोगे फाई इंडेक्स से माइनस, तो ये आ जाएगा 38 mm, ठीक है। अब मैं आपको यूनिट में करवा रहा हूँ, ठीक है, एक टाइप से देख लिया आपने, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी किलोमीटर स्क्वायर है और ऊपर भी किलोमीटर स्क्वायर है ना, तो हमको ये करने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे भी जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार देख लो, है ना। कभी कभी ऐसा क्या होता है, कंफ्यूजन में आपको यूनिट दूसरा पूछ दिया, मान लो यहाँ पे रन ऑफ का यूनिट दूसरा पूछ दिया है ना, तो कन्वर्ट करना पड़ जाएगा। चलो ये तो देख लेते हैं, 38 हो गया, ये कितना हो गया 42 माइनस 15, ये हो गया आपका 27 mm, ठीक है। नेक्स्ट 19 mm, क्या कर रहा हूँ मैं, 40 माइनस 21, 40 बारिश हुई है, 21 इन्फिल्ट्रेशन है, तो रन ऑफ कितना हो जाएगा 19, है ना। अब 42 बारिश हुई है, 16 इन्फिल्ट्रेशन है, रन ऑफ कितना हो जाएगा 26 mm, ठीक है। चलो अब बताएंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए मैं क्या करूंगा, वॉल्यूम के लिए मैं ये 38 mm मल्टीप्लाई विथ 15 किलोमीटर स्क्वायर, है ना। तो या तो आप क्या करो 38 × 10⁻³ × 15 × 10⁶, ठीक है, ये सब करो। नेक्स्ट 27 × 10⁻³ × 25 × 10⁶, है ना, 1 किलोमीटर स्क्वायर में है, मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 10⁶ लगेगा, और ये mm में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻लगेगा, ठीक है। 19 × 10⁻³, ताकि ये मीटर में हो जाए, इंटू 35 × 10⁶, यहाँ आ जाएगा 26 × 10⁻³ इंटू 5 × 10⁶, ठीक है। तो अब हम निकाल लेते हैं टोटल कितना आ रहा है हमारे पास, टोटल आ रहा है मेरे पास 38 × 15, ठीक है, निकाल लेते हैं 38 × 15 प्लस 27 × 35 प्लस 19 × 35 प्लस 26 × 5, रुक जाते हैं एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ हो गया है क्या, नहीं ठीक है, 19 ये होगा 27, ये होगा 38, ठीक है, 19 × 35, 27 × 25, चलिए ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका अराउंड, ये आ जाएगा अराउंड 1 2040 × 10⁻², सबका 6 और ये माइनस 3 कितना हो जाएगा 3, ठीक है, यूनिट क्या होगा मीटर क्यूब, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं क्या निकालना है, अब सेकेंड आवर, सेकेंड आवर रन ऑफ डेप्थ, ठीक है, सेकेंड आवर रन ऑफ डेप्थ क्या आ जाएगा, सेकेंड आवर रन ऑफ डेप्थ 2040 × 10³ अपॉन 80 × 10⁶। सॉल्व करेंगे इसको, ये आ जाएगा आपका 0.0255 मीटर। अब अगर मैं इसको एमएम में कन्वर्ट करना चाहूंगा तो क्या हो जाएगा 25.5 mm, ठीक है। बात वही है, देखो अब अगर आप नहीं करते, मान लो हम क्या करते, ये 10³ नहीं करते, है ना, और ये mm में भी कन्वर्ट नहीं करते, मान लो सीधा सीधा ले लेते, ये अगर 38 × 15, 27 × 25, 19 × 35, 26 × 5 करोगे तो आएगा आपका 2040 ही आएगा, इसको अगर आप डिवाइड करोगे 80 से तो डायरेक्ट आपका 25.5 mm आ जाता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि किलोमीटर नीचे भी हो रहा है मल्टीप्लाई और ऊपर भी हो रहा है, इसलिए यहाँ पे कन्वर्जन करने की जरूरत
नहीं है, वो किलोमीटर किलोमीटर ऑटोमेटिक कट जाएंगे, क्या बचेगा, एमएम बचेगा बस, ठीक है। इसलिए नेक्स्ट बार से मैं ये नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि करो तो भी वही आएगा, नहीं करोगे तो भी वही आएगा, ठीक है। लेकिन करने में आप कहीं ना कहीं गलती कर दोगे तो गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस एक्सक्लूसिवली ऐसे टाइप के क्वेश्चन के लिए आप ये चीज कर सकते हो, नहीं तो हर बार क्या करो, आप हर बार एक ही यूनिट में रखो और फिर उसको निकालो, ठीक है, तो उससे गलती होने का चांस बहुत कम हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं रन ऑफ फॉर थर्ड आवर, रन ऑफ फॉर थर्ड आवर, ठीक है। थर्ड आवर क्या है, मैं अब डायरेक्ट आपको लिख दे रहा हूं, है ना, टेबल बना ही लेते हैं, है ना, सिंपल हो जाएगा। ए एरिया फाई प्रेसिपिटेशन रन ऑफ वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ, ठीक है, चलो कर लेते हैं। थर्ड आवर ही लास्ट बचा है ना, क्योंकि फोर्थ आवर का तो हमको करना ही नहीं है, क्योंकि फोर्थ आवर में तो रन ऑफ हुआ ही नहीं है, है ना। चलो आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं, एरिया कितना है, एरिया तो वही है 15, 25, 35, 5, 5 हो गया 10, 15, 21, 16, ठीक है। अब बारिश देख लेते हैं, बारिश कितनी हुई है, ये हुई है 22, 20, 18 और 18, ठीक है, लिख लेते हैं कितनी हुई है 22, 20, 18 और 18, ठीक है, आ गया। अब आप बताएंगे रन ऑफ कितना होगा, अब देखो बारिश हुई है 22, इन्फिल्ट्रेशन में चला गया 10, तो बचा रन ऑफ 12, ठीक है। 20 हुई थी बारिश, इन्फिल्ट्रेशन में चला गया 15, कितना बचा 5 mm, 18 और 21, होगा क्या कोई रन ऑफ, नहीं होगा, है ना, क्योंकि बारिश हुई 18, इन्फिल्ट्रेशन का स्कोप था 21, तो पूरा का पूरा इन्फिल्ट्रेट हो गया ना 0। यहाँ पे बारिश हुई 18, इन्फिल्ट्रेशन हुआ 16, तो कितना बच गया रन ऑफ 2, ठीक है। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, 12 × 15 कितना होता है, 12 × 15 होता है 180, 180, 5 × 25 होता है 125, 0, 0 हो जाएगा, 2 × 5, 10, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया मेरे पास 180 प्लस 135, 315, ठीक है। अब मैंने इसको मैं लिख सकता हूँ, या तो आप इसको लिख दो किलोमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर मीटर या एमएम, सॉरी किलोमीटर स्क्वायर एमएम, है ना, एरिया है किलोमीटर स्क्वायर में, डेप्थ है एमएम में, डिवाइड कर देंगे किलोमीटर स्क्वायर से, क्या बचेगा सिर्फ एमएम, तो थर्ड आवर रन ऑफ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 315 डिवाइडेड बाय 80, ठीक है, 315 डिवाइडेड बाय 80, ये आ जाएगा 3.9375 mm, ठीक है, आ गया आपके पास। अब ये क्या आ गया आपके पास, एक आंसर आ गया, क्या आवरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इफेक्टिव रेनफॉल पता चल गया है। अब हम नेक्स्ट करेंगे कैलकुलेट टोटल रन ऑफ, तो टोटल रन ऑफ में क्या करोगे आप, ऐड कर दोगे सबको, तो टोटल रन ऑफ इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1.4375 प्लस 25.5 प्लस 3.19375, करेंगे 1.4375 प्लस 25.5 प्लस 3.9375, ये आ जाएगा टोटल रन ऑफ आ जाएगा मेरे पास 1.4375 प्लस 25.5, ये आ जाएगा 30.875 mm, ये क्या हो गया आपका आंसर। क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बना लेंगे, मस्त क्वेश्चन है ऐसे, ठीक है, और अगर आपको मिलते हैं तो ट्राई करिएगा ऐसे टाइप के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मास कर्व ऑफ अ रेनफॉल ऑफ ड्यूरेशन 100 मिनट इज गिवन बिलो, ठीक है, एक रेनफॉल हुई है कितने मिनट की हुई है, वो ये याद रखना है यहाँ पे 100 मिनट की हुई है, ठीक है। इफ द कैचमेंट हैड एन इनिशियल लॉस ऑफ 0.5
6 सेंटीमीटर, इनिशियल लॉस कितना है 0.6 सेंटीमीटर। अब फाई इंडेक्स, फाई इंडेक्स कितना है 0.6 सेंटीमीटर पर आवर। कैलकुलेट द टोटल सरफेस रन ऑफ फ्रॉम द कैचमेंट, ठीक है। गिवन डाटा में आपको टाइम दिया है, इंटरवल यहाँ पे कितना है 20 मिनट का है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्यूम्युलेटिव रेनफॉल है। हमेशा अभी तक हमको हर क्वेश्चन में क्या मिलता आया था, रेनफॉल, यहाँ पे मिली है क्यूम्युलेटिव रेनफॉल, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट कर देंगे हम रेनफॉल डेप्थ में, ठीक है। इसको क्या कर देंगे हम, कन्वर्ट कर देंगे रेनफॉल डेप्थ में, रेनफॉल डेप्थ कितना हो जाएगा, ये तो जीरो ही होगा, ये 0.5 हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, 1.2 माइनस 0.5 कितना होगा 0.7। नेक्स्ट 2.6 माइनस 1.2 1.4। नेक्स्ट 3.3 माइनस 2.6 0.7 एंड नेक्स्ट इज 0.2। लेकिन ये जो रेनफॉल है ये कितने इंटरवल की है, ये है आपके 20 मिनट के इंटरवल की, ठीक है। और फाई इंडेक्स कितना है हमारा, हमारा फाई इंडेक्स है 0.6 सेंटीमीटर पर आवर। तो इसको देख के आप यहां पे कैंसिल करना स्टार्ट नहीं करोगे, है ना, क्योंकि ये सब 20 मिनट की रेनफॉल है और ये पर आवर में दिया हुआ है फाई इंडेक्स, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या बताया था आपको, फाई इंडेक्स क्या होता है, एवरेज इन्फिल्ट्रेशन रेट। अगर इसके ऊपर रेनफॉल होगी तभी रन ऑफ पॉसिबल है, नहीं तो रन ऑफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलो तो इसको अगर हम 20 मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.2 सेंटीमीटर पर 20 मिनट्स। क्लियर है ना, क्या किया मैंने इसको, मैंने इसको डिवाइड कर दिया या मल्टीप्लाई कर दिया, 20 डिवाइड किया 60 से, या आप इसको डिवाइड कर सकते हो 3 से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 20 मिनट्स में, है ना। अब आप चेक कर लो किसका नहीं है, ये तो नहीं होगा, पहला वाला तो कैंसिल ही है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये भी इसके बराबर है तो यहाँ पे भी रन ऑफ नहीं होगा, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, रन ऑफ निकालना था, ये दोनों केस में रन ऑफ नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर्मूला लगा देंगे, फाई इंडेक्स इज इक्वल्स टू पी माइनस आर डिवाइडेड बाय 80 × 60। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि 80 मिनट्स ही बचा ना, 20 मिनट का ड्यूरेशन तो चला गया, टोटल 100 मिनट का था, 20 मिनट्स का ड्यूरेशन चला गया क्योंकि इसमें रन ऑफ नहीं हो रहा था। और मल्टीप्लाई क्यों किया 60 से, क्योंकि हमको इसको आवर में कन्वर्ट करना है। हमको फाई इंडेक्स या रन ऑफ किस में चाहिए, रन ऑफ तो सेंटीमीटर में चाहिए, लेकिन बाकी सब आवर में दिया है तो आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, ठीक है। चलिए इसीलिए नेक्स्ट फाई इंडेक्स कितना है, आवर में लिखेंगे ना, इसलिए हम इसको आवर में कन्वर्ट कर रहे हैं। 0.6 हो गया फाई इंडेक्स। पी कितना होगा, पी टोटल था 3.5 लेकिन 0.2 कैंसिल हो गया तो बचा कितना, 3.3 माइनस आर डिवाइडेड बाय 80 × 60। नेक्स्ट स्टेप में आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा 3.3 माइनस 0.6 × 80 डिवाइडेड बाय 60, ठीक है। अब जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आर आएगा आपका, निकाल लेते हैं हम आर, ये आ जाएगा आपका 2.5 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या हो गया, 2.5 सेंटीमीटर। तो एक डाटा आपको नेसेसरी दिया हुआ था, इनिशियल लॉस ऑफ 0.6 सेंटीमीटर। ये तब यूज करते जब आपको डब्ल्यू इंडेक्स दिया होता, क्योंकि फाई इंडेक्स में इनिशियल लॉस को नहीं मानते ना, क्या मानते हैं कि इनिशियल लॉस जो हुआ है वो इन्फिल्ट्रेशन में ही चला गया पूरा, ठीक है। तो ये आपको अननेसेसरी डाटा दिया था ताकि आप भटक जाओ, आपका आंसर गलत आ जाए। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आइसोलेटेड स्ट्रॉम, मतलब कि एक अकेला स्ट्रॉम इन अ कैचमेंट प्रोड्यूस अ रन ऑफ ऑफ 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर। द मास कर्व ऑफ द एवरेज रेनफॉल डेप्थ ओवर द कैचमेंट वॉज एज बिलो, दिया हुआ है, निकालना है इस बार, कैलकुलेट द फाई इंडेक्स। इधर भी क्या दिया है आपको, एवरेज रेनफॉल दिया हुआ है एक्यूमुलेटेड, तो हम नॉर्मल निकालेंगे रेनफॉल डेप्थ, ठीक है, हर इंटरवल के लिए पहले,
पहले का क्या हो जाएगा, जीरो, है ना। जब जीरो दे तो कंफ्यूज मत होना आप, ठीक है, जीरो का कोई मतलब नहीं है। पहले इंटरवल मतलब जीरो से वन आवर तक कितनी बारिश हो गई, 0.5। नेक्स्ट वन से टू कितनी हो जाएगी, माइनस कर देंगे 0.5 किससे, 1.65 से आ जाएगा 1.15। नेक्स्ट करेंगे कितना आएगा, नेक्स्ट आ जाएगा आपका 1.9। नेक्स्ट कितना आएगा, ये आ जाएगा 2.1। मैं क्या कर रहा हूँ, 5.65 माइनस 3.55 किया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट क्या करूंगा, 6.80 माइनस 5.65 कितना आ जाएगा, 1.15। नेक्स्ट कितना आएगा, ये आ जाएगा 0.95। ठीक है, सब आ गया मेरे को। अगर आपको अभी भी डाउट है कि अगर कोई गलत किया हो माइनस, तो सबको ऐड करना, एडिशन इसके बराबर आना चाहिए चेक करने के लिए, ठीक है। चलिए अब आ गया मेरा रेनफॉल डेप्थ। रन ऑफ दी हुई है मुझे, रन ऑफ भी दी हुई है, कितनी है रन ऑफ, रन ऑफ कितनी दी हुई है मुझे, रन ऑफ दी हुई है, रन ऑफ इज इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। निकालना क्या है, फाई इंडेक्स। फॉर्मूला क्या होता है फाई इंडेक्स का, फाई इंडेक्स इज इक्वल्स टू पी माइनस आर डिवाइडेड बाय टीई, ठीक है। पी कितना है, पी है पूरा 7.75 है ना, पी 7.75 माइनस आर कितना है 3.5 है, डिवाइडेड किससे करोगे आप, कितने आवर्स हैं, 6 घंटे है ना, लिखा हुआ है 6 घंटे। चलिए अब आ जाएगा आपका फाई इंडेक्स, देखेंगे कितना आ रहा है, फाई इंडेक्स आ रहा है हमारा अराउंड 7.75 माइनस 3.5 डिवाइडेड बाय 6, ये आ रहा है 0.708। यहां लिख देता हूं मैं 0.708, है ना। ये सब किस में था, सेंटीमीटर में था ना, सेंटीमीटर पर आवर, ठीक है। लेकिन अब हम क्या चेक करेंगे कि कौन से वाले इंटरवल में इससे कम बारिश हुई है, ठीक है, वो भी तो देखना पड़ेगा कौन से वाले इंटरवल में कम बारिश हुई है। चलिए तो देखते हैं किसमें कम बारिश हुई है, इसमें कम बारिश हुई है, किस वाले में, पहले वाले में, इसको तो कंसिडर ही नहीं करना, पहले वाले में इससे कम बारिश हुई है ना, तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे। अब लेंगे हम सेकेंड ट्रायल, ठीक है। ये क्या था हमारा, ये था हमारा फर्स्ट ट्रायल, ठीक है, जिसमें आया 0.708, बाकी सब में इससे ज्यादा आ रहा है, तो बाकी सब में रन ऑफ हो रहा है, ठीक है। रन ऑफ कितना होगा, रन ऑफ तो सेम होगा, रन ऑफ चेंज नहीं होगा, है ना। ये हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे फाई इंडेक्स, प्रेसिपिटेशन कितना हो जाएगा, टोटल था 7.75, उसमें 0.5 माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 7.25 माइनस 3.5 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। 5 आवर्स हो गए ना, क्योंकि एक घंटा कट गया, माइनस 3.5 डिवाइडेड बाय, ये आ रहा है आपका 0.75 सेंटीमीटर पर आवर। अब इससे बड़ा है क्या कोई, नहीं है, तो आंसर क्या होगा आपका, यही आपका आंसर होगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको एक बार नोट कर लीजिए जिसको नोट करना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहां पे आ जाते हैं। क्या है, द एवरेज रेनफॉल ओवर अ बेसिन ऑफ एरिया 50 हेक्टेयर्स, ठीक है, एरिया कितना है 50 हेक्टेयर्स, डिटरमाइन द स्टॉर्म एज फॉलोज। टाइम दिया हुआ है किसमें, आवर्स में, ठीक है, और बारिश दी हुई है एमएम में, ठीक है। ये भी एक्यूमुलेटेड नहीं है, है ना, तो इसमें हमको कुछ नहीं करना है, सिंपल है ना, कुछ कन्वर्ट करना है। क्या दिया, इफ द वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ फ्रॉम द स्ट्रॉम वॉज मेजर्ड एज 25×10⁻³ मीटर क्यूब, डिटरमाइन द फाई इंडेक्स। तो मेरा फेवरेट मेथड क्या है, इसमें दो मेथड बताई थी मैंने आपको, या तो आप प्रेसिपिटेशन को भी किस में कन्वर्ट कर दो, वॉल्यूम में,
फिर दोनों को माइनस कर दो, एरिया से डिवाइड कर दो, टाइम से डिवाइड कर दो, तो आपका इन्फिल्ट्रेशन आ जाएगा। या फिर हमको डेप्थ दी हुई है, किसमें दी हुई है, एमएम में दी हुई है रेनफॉल की डेप्थ, इस रन ऑफ की डेप्थ, इसको भी रन ऑफ की डेप्थ में कन्वर्ट कर लो, फॉर्मूला लगा लो, फाइ इंडेक्स आ जाएगा, है ना। वो ज़्यादा सिंपल लगता है मुझे, आप कोई सा भी ले सकते हो मेथड। अब हम देख लेते हैं पी कितना, पहले हम कन्वर्ट कर देते हैं रन ऑफ को, ठीक है। रन ऑफ कितना है मेरा, रन ऑफ है 25 × 10⁻³, 25 × 10⁻³ मीटर क्यूब। डिवाइड करेंगे एरिया से, एरिया कितना है 50 हेक्टेयर, तो 50 × 10⁴, ठीक है, हेक्टेयर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो 10⁴ से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए अब इसको हम करेंगे तो कितना आएगा, ये आ रहा है अराउंड 0.05 मीटर, ठीक है। ये कितना आ रहा है, 0.05 मीटर, ठीक है। चलो इतना ही आएगा। नेक्स्ट हम कर लेते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन कितना आ रहा है, ऐड कर लेते हैं हम 6 + 11 + 34 + 28 + 12 + 6, ये आ रहा है 97 mm, ठीक है। इसको भी कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा 50 mm, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब रन ऑफ भी आ गया, प्रेसिपिटेशन भी आ गया, क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे हम फाइ इंडेक्स, ठीक है। फाइ इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाइ इंडेक्स इज इक्वल्स टू 97 - 50 डिवाइडेड बाय आवर कितने हैं, 7 घंटे हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय 7 आवर्स कर लेते हैं इसको। ये आएगा 97 - 50 डिवाइडेड बाय 7 आवर्स, ये आ रहा है 6.714 mm पर आवर, ठीक है। लेकिन इस घंटे में तो इससे कम बारिश हो रही है, इसमें भी कम हो रही है, इसमें भी कम हो रही है, इसमें भी नहीं हो रही है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, कैंसल। ये क्या था हमारा, ये था हमारा फर्स्ट ट्रायल, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब हम करेंगे सेकेंड ट्रायल, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब करेंगे सेकेंड ट्रायल, ठीक है। सेकेंड ट्रायल में अब हमारा प्रेसिपिटेशन कितना हो जाएगा, सेकेंड ट्रायल के लिए पी कितना हो जाएगा, 11 + 34 = 45, 45 + 12 = 57, 57 + 28 ये हो जाएगा आपका 85। देख लेते हैं एक बार, 28 + 34 + 11 + 12 ये आ गया आपका 85 mm, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या बचा, आर, आर कितना है, आर तो सेम होगा कितना, 50 mm, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा फाइ इंडेक्स इज इक्वल्स टू 85 - 35, डिवाइड किससे करोगे आप, 4 से, ठीक है। डिवाइड किससे करेंगे, 1, 2, 3, 4 से, ये आ जाएगा अराउंड आपका, सॉरी यहाँ पे मैं 35 नहीं, यहाँ पे आएगा आपका 50, 35 तो दोनों का रिमेनिंग बचेगा जब वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। आपका आंसर आएगा 8.75 mm पर आवर, क्लियर है। अब देखो, अब इससे कोई छोटा है क्या, नहीं है, तो यही क्या हो गया आपका फाइ इंडेक्स। चलिए अब एक और देखते हैं क्वेश्चन, बहुत बढ़िया है। एट अ स्टेशन स्ट्रॉन्ग वन ऑफ 5 आवर्स, अब क्या है ये, दो स्ट्रॉन्ग वाला क्वेश्चन है, तो जब भी ऐसे दो स्ट्रॉन्ग वाला क्वेश्चन मिले तो आप इसको बदल दो ऐसे दो कॉलम में, ठीक है। यहां लिख लो स्ट्रॉन्ग वन का डाटा, स्ट्रॉन्ग वन, यहां लिख लो स्ट्रॉन्ग टू का डाटा, इससे क्या होगा आपको सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। स्ट्रॉन्ग वन ऑफ 5 आवर ड्यूरेशन, ठीक है, तो इसका ड्यूरेशन कितना है, टीई कितना है इसका, 5 आवर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विथ अ इंटेंसिटी ऑफ 2 cm/h, ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन की इंटेंसिटी कितनी है, 2 cm/h,
ठीक है, तो टोटल प्रेसिपिटेशन कितना हो जाएगा, टोटल प्रेसिपिटेशन लिख सकता हूं मैं 10 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर 1 घंटे में गिर रहा, 5 घंटे में 10 सेंटीमीटर, रिजल्टेंट इन अ रन ऑफ ऑफ 4 सेंटीमीटर, रन ऑफ कितना है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रॉन्ग टू, अब लिखते हैं स्ट्रॉन्ग टू के बारे में, कितना है आवर्स है इसके 8 आवर्स, ठीक है, 8 घंटे बारिश हुई है, रिजल्टेड रन ऑफ है 8.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है एज्यूम दैट फाइन इंडेक्स इज सेम फॉर द बोथ द स्ट्रॉम, अब क्या है आपका कैचमेंट तो सेम है, बारिश भले अलग अलग हो रही है, कैचमेंट तो सेम है, तो सेम कैचमेंट है, सेम सॉइल है, तो उसका सेम फाइन इंडेक्स होगा ना, इसलिए हमने क्या किया एज्यूम किया है, एज्यूम दैट द फाइन इंडेक्स इज सेम फॉर बोथ द स्ट्रॉम, क्योंकि कैचमेंट चेंज नहीं हो रहा है, स्टेशन चेंज नहीं हो रहा है, तो जब भी आपका स्टेशन चेंज नहीं होता है तो आपका फाई इंडेक्स सेम रहता है, ठीक है। डिटरमाइन फाई इंडेक्स इन सेंटीमीटर पर आवर, तो पहले स्ट्रॉम के डाटा से हम फाई इंडेक्स निकालेंगे और इस फाई इंडेक्स के हेल्प से हम सेकेंड स्ट्रॉम का इंटेंसिटी निकालेंगे, ठीक है, दो चीज निकालनी है इस क्वेश्चन में। चलो अब देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास P है, R है, T है, तो हम आराम से phi इंडेक्स निकाल लेंगे, phi इंडेक्स इज इक्वल्स टू 10 - 4 / 5, 1.2 सेंटीमीटर पर आवर, आ गया phi इंडेक्स, सिंपल। अब phi इंडेक्स मिल गया है तो मैं यहाँ प्रेसिपिटेशन की इंटेंसिटी निकाल सकता हूँ, सेम वही फॉर्मूला, phi इंडेक्स इज इक्वल्स टू P - R / TE, P है नहीं, R है 8.4, phi इंडेक्स है 1.2, इनटू T कितना है 8, ठीक है, ये T यहाँ चला जाएगा, ठीक है, इनटू 8, यहाँ से मैं P निकाल लूँगा आराम से, और ये जो P आएगा वो किस में आएगा, सेंटीमीटर पर आवर में, देख लेते हैं इसको एक बार, ये आ जाएगा तुम्हारा 1.2 × 8 - 8.4, 1.2 × 8 - 8.4, तो मेरे पास प्रेसिपिटेशन की डेप्थ कितनी आ गई 28 सेंटीमीटर, ठीक है, लेकिन 18 सेंटीमीटर, लेकिन ये क्या है टोटल प्रेसिपिटेशन की डेप्थ, पूछा क्या है इंटेंसिटी, पूछा है यहां पे इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर पर आवर, तो अगर 8 घंटे में 18 सेंटीमीटर गिरा है तो 1 घंटे में कितना गिरेगा, डिवाइडेड बाय 8 कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि इंटेंसिटी चाहिए है तो डिवाइडेड बाय 8, 2.25 सेंटीमीटर पर आवर, दोनों आंसर आ गए मेरे, फाइन इंडेक्स आ गया 1.2 सेंटीमीटर पर आवर और इंटेंसिटी ऑफ सेकेंड स्ट्रॉम आ गया 2.2 सेंटीमीटर पर आवर, ठीक है। चलिए हॉटन्स करके अब हम 3 क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बढ़िया, मजा आएगा बनाने में, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन है, द इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ द सॉइल फॉलोज द हॉटन एक्सपोनेंशियल मॉडल, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं दिया है लेकिन फॉर्मूले का वो बता दिया आपको, क्या स्कल बता दिया है ना, ऐसे ही था हमारा कुछ स्केलेटन, फॉर्मूले का क्या था फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या था फॉर्मूला, अगर मुझे किसी एफ टी या टी टाइम पे इन्फिल्ट्रेशन निकालना है तो मैं क्या करूँगा, एफ सी प्लस एफ नॉट माइनस एफ सी ई टू द पावर माइनस के टी, बताया था मैंने एफ सी करेंगे पहले, फिर ऊपर का जो पार्ट बचेगा वो कितना होगा, एफ सी माइनस ई नॉट, सॉरी एफ सी माइनस सॉरी एफ नॉट माइनस एफ सी इंटू कैसे कम होगा, वो कैसे डिक्रीज होगा, एक्सपोनेंशियली, किस रेट से होगा, के रेट से, और टी क्या होगा, टाइम, ठीक है। चलो ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट द इनिशियल इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी वॉज ऑब्जर्व टू बी 200 mm/h, तो हमको क्या दिया हुआ है, एफ नॉट दिया हुआ है, क्या बोला है, इनिशियल इन्फिल्ट्रेशन, इनिशियल इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है, एफ नॉट, ठीक है, बताया था ना जब आपको ज्यादा भूख लगी हो तो आपकी खाने की स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है, वैसे इन्फिल्ट्रेशन शुरू में क्या होगा, सबसे ज्यादा, नेक्स्ट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी वॉज रिड्यूस टू 25 mm/h, मतलब ये क्या है, कॉन्स्टेंट आपका इन्फिल्ट्रेशन रेट है, एफ सी है ये, ठीक है, क्योंकि आफ्टर लॉन्ग टाइम क्या होता है, इन्फिल्ट्रेशन कॉन्स्टेंट हो जाता है, ठीक है, कितना हो गया 25 mm
पर आवर. नेक्स्ट, इफ द इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी आफ्टर 1 आवर, आफ्टर 1 आवर, एक घंटे बाद, तो मतलब ये क्या कहलाएगा, एफ टी. When the time t is equals to 1 hour, कितना हो जाएगा, 90 mm per hour. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम. अब डाटा गिवन है, निकालना क्या है, द वैल्यू ऑफ डीके रेट कॉन्स्टेंट के निकालना है इन आवर इनवर्स. ठीक है, चलिए अब क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, आवर इनवर्स में निकालना है क्या, के. तो बाकी सारी वैल्यू तो गिवन है, हमको डाल देंगे इसमें, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं. एफ टी की जगह क्या लिखोगे आप, एफ टी हो जाएगा 90 इज इक्वल्स टू, एफ सी कितना है 25 प्लस 200 माइनस 25 एफ नॉट माइनस एफ सी, है ना, इंटू ई का पावर माइनस के, इंटू टी कितना है 1 आवर, क्योंकि हमने 90 लिया है ना. एफ टी कितना था 90 एट 1 आवर, ठीक है, आफ्टर 1 आवर. चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा 175. तो पहले आप क्या करोगे, 90 से 25 माइनस किया, आ गया ये 65 डिवाइडेड बाय 175 ई टू द पावर माइनस के. ठीक है, चलो कर लेते हैं इसको, 65 डिवाइडेड बाय 175 ये आ जाएगा कुछ, अभी इसको ऐसे ही रख लेते हैं, 65 डिवाइडेड बाय 175. अब मैं दोनों साइड एल एल ले लूंगा तो ई क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा ई. ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एल एन 65 अपॉन 175, एंटी लॉग ले लिया, जीरो माइनस 0.99 और यहाँ पे क्या रह जाएगा माइनस के. ठीक है, तो आपका के क्या आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसल, के इज इक्वल्स टू 0.99 आवर इनवर्स. सिंपल था, है ना, के निकालना हो तो क्या करोगे आप, दोनों साइड ई हटाने के लिए हम एल एन ले लेते हैं. ठीक है, चलिए आंसर आ गया आपका 0.99 आवर इनवर्स. सिंपल था ये, सिंपल था. ठीक है, अब थोड़े से डिफिकल्ट में आ जाते हैं. द पैरामीटर इन द हॉटेंस इनफिल्ट्रेशन इक्वेशंस आर गिवन एज एफ नॉट, एफ नॉट की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है एफ नॉट की वैल्यू, एफ नॉट की वैल्यू है 7.62 सेंटीमीटर पर आवर. ठीक है, और क्या भी गिवन है, और है हमारे पास एफ सी भी गिवन है, एफ सी कितना है 1.34 सेंटीमीटर पर आवर, के भी गिवन है, के कितना है 4.182 पर आवर, या फिर आवर इनवर्स कुछ भी लिख सकते हो आप. फॉर द कंटिन्यूअस पॉन्डिंग एट द कम्युलेटिव इन्फिल्ट्रेशन एट द एंड ऑफ 2 आवर्स. तो जब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं ये वाला, तो इससे क्या पता चलता है हमको, इससे हमको पता चलता है कि टी टाइम पे इन्फिल्ट्रेशन रेट क्या था. यहाँ पे लेकिन क्या पूछा है आपको कि टोटल इन्फिल्ट्रेशन बताओ 2 आवर में. ठीक है, तो इसके 2 फॉर्मूले हैं, एक या तो आप क्या करो इसको इंटीग्रेट कर दो 0 से 2 तक. ठीक है, और इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी एफ सी प्लस एफ नॉट माइनस एफ सी ई टू दी पावर माइनस के टी. ठीक है, तो भाई मैं तो उतना अच्छा नहीं हुई है ना इंटीग्रेशन में, तो मैं क्या करूं सर, है ना, तो मेरे लिए है एक फॉर्मूला. ठीक है, जिसको मैं डायरेक्ट लगा के 2 आवर का निकाल सकता हूं. फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है एफ सी इंटू टी, जितने घंटों का निकालना हो, प्लस एफ नॉट माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई के. ठीक है, नेक्स्ट इंटू 1 माइनस ई टू द पावर के टी. ठीक है, ये क्या हो गया फॉर्मूला. अब इसमें हम रख देते हैं फॉर्मूले में वैल्यू को. ठीक है, चलो देख लेते हैं अब क्या होगा. फॉर्मूले में रखा तो आ गया एफ सी कितना है, एफ सी है 1.34 इंटू टी कितना है 2 घंटे, 2 घंटे का निकालना है ना 2 आवर्स का. ठीक है, प्लस 7.62 माइनस 1.34 अपॉन 182 इंटू 1 माइनस ई टू द पावर 4.182 इंटू 2.
ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 घंटे में कितना इन्फिल्ट्रेशन हुआ है पूरा का पूरा आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। दोनों से बताऊंगा मैं सॉल्व करके, दोनों से कर सकते हो आप, दोनों से सेम आंसर आएगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे -4.182 -2 ये आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। टोटल इन्फिल्ट्रेशन आ गया 2 घंटे में 4.1813 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर में था सर। तो 2 घंटे में टोटल इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगा 4.1813। या तो आप कैलकुलेटर में भी रख के इसको भी सॉल्व कर सकते हो, कैलकुलेटर में एक फंक्शन होता है, अगर ये वाला कैलकुलेटर है आपके पास तो इसको भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप पूरा ब्रैकेट खोल के पूरा इंटीग्रेट करो, 2 से 0 तक अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाओ और सॉल्व करो, ठीक है। या फिर ये जो फॉर्मूला है इसका यूज करो और डायरेक्ट आप क्या निकाल सकते हो, इसमें जितने भी घंटों का इन्फिल्ट्रेशन हुआ होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें भी एक वेरिएशन है, ठीक है, उसको देखेंगे। ये तो कब था, जब मेरे को सिर्फ इन्फिल्ट्रेशन निकालना था, ठीक है, नॉर्मल कितना 2 घंटे में इन्फिल्ट्रेशन हुआ तब ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अब इसमें भी वेरिएशन देखेंगे हम, एक और वेरिएशन, ये वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, और यहाँ इसमें आप क्या गलती कर सकते हो वो भी बताऊंगा, ठीक है। ड्यूरिंग अ 3-आवर स्टॉर्म इवेंट इट वॉज ऑब्जर्व दैट ऑल एब्स्ट्रैक्शन अदर देन इन्फिल्ट्रेशन आर नेग्लिजिबल। क्यों, इन्फिल्ट्रेशन से जो दूसरे हैं जैसे इंटरसेप्शन हो गया, इवोपरेशन हो गया, डिप्रेशन स्टोरेज हो गया, उसको हमने नेग्लिजिबल मान लिया, ठीक है। द रेनफॉल वॉज आइडलाइज एज 3 1-आवर स्ट्रॉम। रेनफॉल कैसी हुई है, 3 1-1 घंटे की बारिशों में हुई है, ठीक है। पहले घंटे कितना हुआ है 1 आवर, द रेनफॉल वॉज आइडलाइज एज 1 आवर स्ट्रॉम ऑफ इंटेंसिटी 10 mm पर आवर, 20 mm पर आवर एंड 10 mm पर आवर रिस्पेक्टिवली। कैसे गिरी है 3 घंटे में, पहले घंटे में 10 mm गिरी, दूसरे घंटे में 20 mm, तीसरे घंटे में फिर से 10 mm, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। एंड द इन्फिल्ट्रेशन वॉज आइडलाइज एज हॉट एन कर्व, कर्व का इक्वेशन भी दिया हुआ है आपको, ठीक है। मतलब ये एफ सी हो गया, ये एफ नॉट माइनस एफ सी हो गया, गिवन है एफ इज इन एम एम पर आवर एंड टी इज इन आवर, वॉट इज द इफेक्टिव रेनफॉल। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि इफेक्टिव रेनफॉल किसका नाम होता है, इफेक्टिव रेनफॉल रन ऑफ का नाम होता है, ठीक है। जैसे आपके भी घर का नाम होता है ना, घर में कुछ और बोलते हैं, है ना, वैसे ही रन ऑफ को इफेक्टिव रेनफॉल भी बोलते हैं, या फिर एक्सिस रेनफॉल भी बोलते हैं, या रेनफॉल एक्सिस भी बोलते हैं। तो ये इसके अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है। जैसे आपके दोस्त आपका कुछ नाम रख देते हैं, है ना, एक नाम आपका स्कूल में अलग होता है, फिर एक नाम मम्मी पापा घर में अलग बुलाते हैं, भाई बहन कुछ और नाम से बुलाते हैं, वैसे ही रन ऑफ के भी बहुत अलग अलग नाम होते हैं, इफेक्टिव रेनफॉल, रेनफॉल एक्सिस, एक्सिस रेनफॉल, ठीक है। चलिए तो हमको निकालना क्या है, इसमें रन ऑफ निकालना है, ठीक है। तो क्या करोगे, आपको प्रेसिपिटेशन दिया हुआ है, इसमें से इन्फिल्ट्रेशन माइनस कर दोगे। तो आप बोलोगे सर अपन एक साथ 3 आवर का निकाल लेते हैं, लेकिन वैसा तो नहीं होगा क्योंकि हर आवर बारिश अलग अलग हुई है, ठीक है। तो हमको हर आवर अलग अलग निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी आवर में इन्फिल्ट्रेशन बारिश से ज्यादा आ जाता है तो उस आवर में तो रन ऑफ नहीं होगा और आप उसको भी कंसिडर कर लोगे, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया होगा तो एक बार क्वेश्चन बनाते हैं और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पहली मेथड, पहली मतलब आपको ये सही लगी, है ना, तो आप बोलोगे कि नहीं सर अपन ना इससे निकाल लेते हैं, एक साथ 3 आवर का निकाल लेंगे और बारिश कितनी हुई होगी, 10, 20 और 10, 40 mm हुई होगी, उससे माइनस कर देंगे तो रन ऑफ आ जाएगा, है ना। पता है ना कि प्रेसिपिटेशन इज इक्वल्स टू इन्फिल्ट्रेशन प्लस रन ऑफ होता है। इन्फिल्ट्रेशन बोलोगे तो मैं इससे निकाल दूंगा 3 महीने का और इसको प्रेसिपिटेशन से माइनस कर दूंगा तो रन ऑफ आ जाएगा, ठीक है। चलो वैसा कर लेते हैं। तो इन्फिल्ट्रेशन निकालने के लिए फॉर 3 आवर क्या लगाऊंगा मैं फॉर्मूला, एफ सी, एफ सी कितना है मेरे पास, एफ सी दिया हुआ 6.8 प्लस एफ सी, एफ नॉट माइनस एफ सी भी गिवन है मेरे पास 8.7 डिवाइडेड बाय के भी गिवन है, के कितना है
कि एज्यूम कर लेते हैं वन है, ठीक है, क्योंकि गिवन नहीं है। चलो इक्वेशन में तो गिवन है ना, के टी के पास कितना है, कुछ है नहीं, तो वन ही मान लेते हैं, ठीक है। इनटू क्या होता है फॉर्मूला, वन माइनस ई टू द पावर माइनस वन, और टी कितना होगा, टी हम ले लेंगे 3 आवर्स, क्योंकि टोटल 3 घंटे का निकाल रहे हैं, ठीक है। चलो देखते हैं, 6.8 प्लस 8.7 इंटू वन माइनस ई टू द पावर 1 × 3, ये आ रहा है आपका 15.0668, ठीक है। मतलब क्या बता रहा है ये, इन्फिल्ट्रेशन हुआ है मेरा, कितना हो गया ये 15.0668, ठीक है, 3 घंटों में, इससे तो यही आ रहा है, ठीक है। और आप क्या करोगे, अब इससे माइनस कर दोगे, कितनी बारिश हुई है, 10, 20, 10, ये तो कुछ अलग आ रहा है, इससे बाकी से निकाल के देख लेते हैं, 6.8 प्लस 8.7 1 × 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 1 × 3, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, 15.0668, लेकिन ये आंसर क्या है आपका, गलत हो जाएगा ये आंसर, ठीक है। अब देखते हैं इसका सही तरीका क्या है, जब आपको अलग अलग दिया हो तो कैसे निकालना है, ठीक है, देख लेते हैं हम। चलो इसको मिटा देते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला इसमें नहीं लगेगा, ठीक है। चलो अब मैं बताता हूँ कौन सा लगेगा, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको 0 से 1 तक इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि हमको पहले आवर का निकालना है, ठीक है। तो इन्फिल्ट्रेशन फॉर फर्स्ट आवर इज इक्वल्स टू 0 to 1, क्या करेंगे, 6.8 प्लस 8.7 ई टू द पावर माइनस टी डी टी, ठीक है। अब चलो इसको कर दो इंटीग्रेट, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.8 टी प्लस या माइनस 8.7 ई टू द पावर माइनस टी माइनस, क्योंकि अपर लिमिट माइनस क्या करोगे, लोअर लिमिट माइनस, सेम ये आएगा। चलो अभी इतना ही करते हैं, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, इतना आ जाएगा आपका, ठीक है। अब क्या करोगे, इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना पड़ेगा इसको 0 से 1 तक, ठीक है। अब इसमें रख देता हूं मैं अपर लिमिट, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.8 इंटू 1 माइनस माइनस 8.7 ई टू द पावर माइनस 1, ठीक है। अब क्या करते हैं, माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस पहला क्या आएगा, 6.8 इंटू 0, ठीक है, 6.8 इंटू 0 माइनस 8.7 ई टू द पावर माइनस 0, ठीक है। इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे को फर्स्ट आवर का इन्फिल्ट्रेशन पता चल जाएगा। चलिए सॉल्व करेंगे इसको, 6.8 माइनस 8.7 ई टू द पावर माइनस 1 माइनस 7 ई टू द पावर माइनस 0, ठीक है। ये माइनस क्या हो जाएगा, यहां पे ये माइनस जब इंटू होगा ब्रैकेट में तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 12. देखो हमने कहां गलती की, 12.29 सेंटीमीटर। तो पहले आवर के लिए कितना आ रहा है, 12.29 सेंटीमीटर क्या है, इन्फिल्ट्रेशन, ठीक है। लेकिन पहले आवर बारिश कितनी हुई है, 10 mm पर आवर, तो कोई रन ऑफ होगा क्या, नहीं होगा, है ना, कोई रन ऑफ नहीं होगा इसमें, ठीक है। लेकिन हम अगर एक साथ कैलकुलेट करते तो ये 2.99 जो एक्स्ट्रा है 2.29 उसको भी ऐड कर लेते, ये तो वेस्ट हो गया ना वहां पे, इन्फिल्ट्रेशन इतना होना था लेकिन हो 10 ही पाया, क्योंकि बारिश ही 10 से गिरी थी। तो ये आप 2 एक्स्ट्रा एज्यूम कर लेते जब आप एक साथ 3 आवर का निकालते, ठीक है। तो इसमें हम बोलेंगे कि पहले आवर कोई इन्फिल्ट्रेट कोई रन ऑफ नहीं हो रहा है, निकालना तो हमको मेन रन ऑफ है ना, इन्फिल्ट्रेशन 12 हो रहा है, बारिश 10 की है, तो इन्फिल्ट्रेशन कितना होगा, 10 ही होगा ना, 12 तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उतना इनपुट ही नहीं है, 12 से आ ही नहीं रहा है,
तो कैसे होगा, तो पहले आवर में कोई रन ऑफ नहीं हो रहा है, सेकेंड आवर में निकालेंगे रन ऑफ। अब मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट इसमें 2 रख दूंगा, ठीक है, और 1 की जगह क्या रख दूंगा, सॉरी 0 की जगह 1 रख दूंगा और 1 की जगह 2 रख दूंगा, ठीक है, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं, क्योंकि इस बार हम इंटीग्रेट करेंगे 1 से 2 तक, ठीक है, ऐसे आपको तीनों करना पड़ेगा, ठीक है, 1 से 2 तक। तो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं 6.8 इंटू 2 माइनस 8.7 ई टू द पावर माइनस 2 माइनस, ये हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट करेंगे, लोअर लिमिट कितनी है 1 होगी, क्योंकि 1 से 2 इंटीग्रेट कर रहा हूं इस बार मैं, तो ये हो जाएगा 6.8 इंटू 1 माइनस 8.7 ई टू द पावर माइनस 1, ठीक है। अब निकालेंगे इसको, अब निकालेंगे तो आएगा 6.8 इंटू 2 माइनस 8.7 ई टू द पावर माइनस 2, ठीक है, माइनस 6.8 प्लस 8.7 ई टू द पावर 1, ये आ जाएगा आपका आई टू आएगा, या इन्फिल्ट्रेशन इन सेकेंड आवर आ जाएगा आपका 8.823 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब सेकेंड आवर बारिश कितनी हुई थी 20 और इन्फिल्ट्रेशन कितना हुआ 8, तो इसमें रन ऑफ होगा, है ना, तो निकाल लेते हैं आर टू, रन ऑफ कितना होगा 0 से, सॉरी ये कितना हो गया, ये हमने 1 से 2 तक निकाला था जो, ठीक है, ये हो गया आपका 0 से 1 तक, तो इसमें रन ऑफ कितना हो जाएगा 20 माइनस 8.823, ठीक है, रन ऑफ निकाल लेंगे 20 माइनस आंसर 11.1768 सेंटीमीटर, ठीक है, इतना हो जाएगा रन ऑफ। नेक्स्ट हम निकालेंगे अब I3 के लिए, I3 में कौन सा आ जाएगा, I3 में सेकेंड से थर्ड इंटरवल, ठीक है, सेकेंड टू थर्ड, सेकेंड टू थर्ड देखेंगे हम, ठीक है, चलो अब सेकेंड से थर्ड देख लेते हैं I3 के लिए, सेकेंड टू थर्ड, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, इसमें 2 की जगह 3 रख दूंगा डायरेक्ट, ठीक है, 2 की जगह 3 रखूंगा, सॉल्व करूंगा और 1 की जगह 2 रख दूंगा, ठीक है, इंटू 3 माइनस 8.7 ई टू द पावर माइनस 3 माइनस 6.8 इंटू 2 माइनस 8.7 ई टू द पावर माइनस 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो I3 आ जाएगा आपका, सॉल्व करेंगे 6.8 इंटू 3 माइनस 8.7 इंटू ई टू द पावर माइनस 3 माइनस 2 प्लस 8.7 ई टू द पावर माइनस 2, ये आ जाएगा आपका 7.544 सेंटीमीटर, ये आ गया इन्फिल्ट्रेशन। इसमें क्या करोगे, ये रन ऑफ माइनस कर दोगे, इसमें सॉरी ये बारिश को माइनस कर दोगे तो रन ऑफ आ जाएगा, तो कितना आएगा R3, R2, R1 कितना आया, R1 आया 0, इसमें रन ऑफ नहीं हुआ था क्योंकि कुछ, ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा आंसर 10 माइनस आंसर 2.455, ठीक है। अब दोनों आ गए, R2 कितना आया, R2 में मतलब सेकेंड आवर में कितना हुआ रन ऑफ 11.17 और थर्ड आवर में कितना हुआ 2.455, ठीक है, तो टोटल रन ऑफ कितना हो जाएगा, टोटल रन ऑफ लिख देता हूं मैं यहां पे ऊपर में, टोटल रन ऑफ कितना हो जाएगा, टोटल रन ऑफ या आंसर टोटल रन ऑफ ये हो जाएगा 11.17 प्लस 2.455, ये हो जाएगा आपका 11.1768 प्लस 2.455, ये आ जाएगा 13.63 सेंटीमीटर, ये क्या हो गया आपका आंसर, क्लियर है। चलिए कैसे निकाला हमने, इसलिए हमने इसमें अलग अलग निकाला क्योंकि इंटेंसिटी अलग अलग थी, तो पता नहीं चल रहा था कि किसमें रन ऑफ हो रहा है किसमें नहीं हो रहा है। इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ 2 आवर का इन्फिल्ट्रेशन निकालना था, इसलिए हमने ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के निकाल लिया, ठीक है, डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको, क्लियर है।
तो अब आप हर टाइप के क्वेश्चन बना सकते हो हॉटन्स के भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज्यूमिंग द इनिशियल इन्फिल्ट्रेशन रेट ऑफ 10 mm पर आवर। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा एफ नॉट 10 mm पर आवर, ठीक है। नेक्स्ट क्या डाटा दिया हुआ, फाइनल इन्फिल्ट्रेशन रेट, ये क्या हो गया मेरा एफ सी, क्योंकि आखिरी में क्या हो जाता है, कॉन्स्टेंट हो जाता है ना इन्फिल्ट्रेशन, है ना, देखा है हमने। एंड द कॉन्स्टेंट वैल्यू ऑफ के एस, के की वैल्यू भी दी हुई है 0.95, ठीक है। कैलकुलेट द, इसका यूनिट भी दिया हुआ है आवर इनवर्स, ठीक है। कैलकुलेट द टोटल इन्फिल्ट्रेशन डेप्थ फॉर अ स्ट्रॉम लास्टिंग 6 आवर्स, ठीक है। हमको क्या निकालना है, सिंपल इन्फिल्ट्रेशन डेप्थ निकालनी है फॉर 6 आवर्स। तो क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, दो मेथड थी इसकी, है ना। या तो आप क्या करो, या तो आप इंटीग्रेट कर दो 0 से 6 तक एफ सी प्लस एफ नॉट माइनस एफ सी ई टू दी पावर माइनस के टी, इसको या तो इंटीग्रेट कर दो आप, या फिर फॉर्मूला भी था ना सिंपल हमारा, क्या था, एफ सी प्लस एफ नॉट माइनस एफ सी, एफ सी इंटू टी भी था, है ना, एफ सी इंटू टी प्लस एफ नॉट माइनस एफ सी अपॉन के इंटू 1 माइनस e टू दी पावर के टी, ठीक है। चलो अब पहले हम इससे सॉल्व करते हैं, कितना आएगा आंसर, एफ सी कितना है, एफ सी दिया है 5, 6 घंटे के लिए प्लस 10 माइनस 5, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 5 upon 0.95 into 1 minus e to the power 0.95 into t is 6, ठीक है। अब इसको कैलकुलेटर में हम सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 5 divided by 0.95 into 1 minus e to the power 0.95 into 6, ये आ जाएगा आपका 35.2455, आंसर आ गया आपका 35.2455, यूनिट क्या होगा इसका, mm, ठीक है। तो ये तो आ गया सिंपल, अब आप इससे भी बना सकते हो, इससे कैसे बनाओगे, इससे भी देखो नॉर्मल हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे इसको किससे कितना तक, ये हो जाएगा आपका एफ सी टी, ठीक है, माइनस, माइनस करना पड़ेगा, माइनस एफ सी माइनस एफ नॉट, या इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम, ये हो जाएगा 5 टी, एफ सी कितना है 5 है, 5 टी माइनस 10 माइनस 5 कितना होगा 5 अपॉन के 0.95 इंटू ई टू द पावर माइनस के टी, ये है। इसमें आप लगा दो अपर लिमिट और लोअर लिमिट तो आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर है। इसमें हमको क्या लगाना है, अपर लिमिट कितना लगाओगे 6, लोअर लिमिट लगाओगे 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये देख लेते हैं एक बार, पहले पहला टर्म का कर लेते हैं हम, 5 into 6 minus 0, ऐसा कर लो, ठीक है, माइनस 5 upon 0.95 e to the power minus 0 into 6, इसको हम कर लेते हैं 0.95 into 6, ठीक है, माइनस e टू दी पावर माइनस 0.95 into 0, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे आप तो भी आंसर कितना आएगा देख लेते हैं एक बार, तो भी आंसर आपका सेम ही आना चाहिए, ठीक है। तो ये तो 6 5 30 हो जाएगा सिंपल, 30 माइनस, एक मिनट, ये माइनस की जगह क्या हो जाएगा, क्योंकि पहले भी माइनस था, है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस, क्योंकि अंदर तो हम माइनस कर ही रहे हैं ना, प्लस, प्लस हो जाएगा आपका 5 divided by 0.95 into bracket, एक हो जाएगा आपका e टू दी पावर दिस, और एक हो जाएगा आपका ये, ठीक है। चलो कर लेते हैं,
इधर आप इसको चेंज कर लोगे तो ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम कर देंगे 0.95 और यहाँ पे आ जाएगा 6। इसको हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया इसका साइन बदलने के लिए, ठीक है। अब ये हो जाएगा e टू दी पावर माइनस 0 माइनस e टू दी पावर 6 इंटू 0.95, ठीक है। तो ये आ रहा है आपका अराउंड 35.2455 mm, ठीक है। तो जो सिंपल मेथड लगे दोनों में से, आंसर दोनों में सेम आएगा, उसको आप यूज कर सकते हो। मुझे ये ज्यादा सिंपल लगता है, बस एक फॉर्मूला याद करना पड़ता है और काम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हॉटन्स इन्फिल्ट्रेशन इक्वेशन फॉर अ बेसिन इज गिवन बाय एफ इज इक्वल्स टू 6 + 15 ई टू द पावर माइनस 2t, वेयर एफ इज इन mm एंड टी इज इन आवर्स, ठीक है। चलिए अब इसको भी सॉल्व करते हैं हम, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अब हम देखते हैं, पहले क्या पूछा है आपको, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ नॉट एफ सी एंड के, ठीक है। तो इस इक्वेशन को देख के मैं बता सकता हूं कि एफ सी की वैल्यू क्या है। देखो हमने इक्वेशन क्या लिखते थे हम, एफ इज इक्वल्स टू एफ सी प्लस एफ नॉट माइनस एफ सी इंटू ई टू द पावर माइनस के टी, ये लिखते थे हम। अब इसमें पता चल रहा है देख के कि एफ सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ सी की वैल्यू हो जाएगी 6, ठीक है। एफ नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ नॉट की वैल्यू वहां पे कितनी दी है, एफ नॉट माइनस एफ सी अगर 15 है तो एफ नॉट कितना हो जाएगा, और एफ सी 6 है अगर, तो 15 + 6 = 21 हो जाएगा एफ नॉट, है ना, क्योंकि 21 माइनस 5 किया होगा, सॉरी माइनस 6 किया होगा, तभी तो कितना हुआ होगा 15, ठीक है। के कितना आ रहा है, के आ रहा है मेरा 2। तो तीनों चीज आ गई जो पहले क्वेश्चन में बोला था। नेक्स्ट क्या निकालना है, इफ अ स्ट्रॉम ऑफ 22 mm/h अकर्स ऑन द बेसिन, डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ इन्फिल्ट्रेशन फॉर फर्स्ट 40 मिनट्स, ठीक है। तो पहले क्या निकालना है हमको, पहले 40 मिनट में कितना होगा इन्फिल्ट्रेशन। तो मैं यही फॉर्मूला यूज कर रहा हूं डायरेक्ट, है ना, इसी से निकाल लेंगे हम। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका F, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ, अच्छा पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, FC इंटू टी एफ नॉट माइनस एफ सी प्लस एफ नॉट माइनस एफ सी अपॉन के इंटू 1 - e^(-kt। तो इसको निकालना कितने के लिए हमको, पहले 40 मिनट्स के लिए, ठीक है। तो 40 मिनट्स को अगर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, तो पहला टाइम पीरियड कितना हो जाएगा मेरा, 2/3 लिख सकता हूं मैं, या 3/4 लिख सकता हूं मैं, ठीक है। आवर के लिए कितना हो जाएगा, सॉरी ये हम कर लेते हैं इसको 45 मिनट्स, ये 45 मिनट्स, तो 45 मिनट्स आवर्स में कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, ठीक है। 45 मिनट्स को मैं आवर में कन्वर्ट करूंगा तो मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइडेड बाय 60, तो ये हो जाएगा 3/4। तो यहाँ टी की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 3/4, ठीक है, 45 मिनट्स के लिए था वो, इसको ठीक कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका 3/4। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 12.54 mm, क्लियर है। चलिए चलिए, तो अब ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, और टाइम पीरियड कितना होगा, 45 मिनट्स के लिए कितना निकालना पड़ेगा, देखो इसको ठीक कर लेंगे, 40 नहीं है वो, 45 मिनट्स है, ठीक है। तो 45 मिनट्स के लिए टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 3/4। अब इसको लगा लेते हैं हम, एफ सी कितना है मेरे पास, एफ सी है 6 × 3/4 प्लस एफ नॉट माइनस एफ सी कितना है, 15 / 2 × 1 - e^(k) कितना है, 2 × 3/4। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा आपके पास 10.3265, तो हम इसको ले लेते हैं 33 mm, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आ गया, पहला क्या था, डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ इन्फिल्ट्रेशन फॉर द फर्स्ट 45 मिनट्स,
नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या निकालना, एवरेज इन्फिल्ट्रेशन फॉर द फर्स्ट 75 मिनट्स। तो क्या करोगे आप, ये जो 45 के लिए निकाला था वैसे ही हम किसके लिए निकालेंगे, 75। तो इस बार t कितना हो जाएगा, 75 डिवाइडेड बाय 60, तो ये हो जाएगा 5/4 आवर्स। ठीक है, अब इसमें पुट कर देंगे आप 5/4 आवर्स, तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, 6 × 5/4, ठीक है, प्लस एफ नॉट माइनस एफ सी कितना होगा, 15 डिवाइडेड बाय 2, के की वैल्यू कितनी है 2 है ना, × 1 − e^2 × 5/4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 6 × 5/4 × 15 / 2 मल्टीप्लाई विथ 1 − e^2 − 2 × 5/4। ठीक है, ये आएगा आपका अराउंड 14.384। ठीक है, चेक कर लेते हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे इसको, हमको किस में चाहिए है, एवरेज इन्फिल्ट्रेशन पूछा है ना, तो किस में निकालेंगे हम, mm पर आवर में। ठीक है, तो अब क्या करोगे आप, ये तो आ गया आपका mm में, इतना टोटल इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, तो फिर इसका एवरेज इन्फिल्ट्रेशन कैसे निकालोगे आप, एवरेज इन्फिल्ट्रेशन इज इक्वल्स टू क्या करोगे, 14.384 डिवाइडेड बाय 5/4, क्योंकि टाइम इंटरवल कितना था, 5/4 आवर्स में। ठीक है, तो 14.384 डिवाइडेड बाय 5/4, तो ये आएगा अराउंड 11.5072 mm per hour। क्लियर है, कैसे निकाला मैंने, सॉरी। नेक्स्ट देख लेते हैं, द इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ अ सॉइल इन अ स्मॉल कैचमेंट वॉज फाउंड टू बी 6 cm per hour, दिया हुआ है ये इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी 6 cm per hour बिफोर अ रेनफॉल इवेंट, इट वॉज फाउंड टू बी 1.2 cm per hour एट द एंड ऑफ द 8-hour storm। ठीक है, इफ द टोटल इन्फिल्ट्रेशन ड्यूरिंग द 8-hour period ऑफ स्ट्रॉम वॉज 15 cm, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ डीके कॉन्स्टेंट कोफिशियंट के। ठीक है, तो अब हमको क्या है, के की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब आपको क्या हुआ, जो हम टोटल इन्फिल्ट्रेशन निकालते थे 8 घंटे में, वो गिवन है, वो कितना गिवन है, वो है 15। तो आप फॉर्मूला लगा लो, या तो क्या करते थे हम, टोटल इन्फिल्ट्रेशन को मैं बोल देता हूँ F, कैपिटल F, ठीक है, एफ टी, टोटल इन्फिल्ट्रेशन फॉर्मूला क्या लगाते थे हम, एफ सी प्लस एफ नॉट माइनस एफ सी अपॉन के, है ना, इंटू करते थे हम 1 − e^2 − kt। तो यहाँ पे t क्योंकि बहुत बड़ा टाइम है ना, तो वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी चला जाएगा, तो हमको इतने में ही हमारा आंसर आ जाएगा सिंपली। तो एफ टी कितना है, 15, एफ नॉट की वैल्यू है 1.2 प्लस एफ नॉट माइनस एफ सी कितना हो जाएगा, वो करेंगे हम 6 − 1.4, 6 क्योंकि क्या हो जाएगा आपका एफ नॉट, ठीक है, −1.2 डिवाइडेड बाय k। अब यहां से आप k की वैल्यू निकाल लोगे सिंपल, चलो निकाल लेते हैं, ये आएगा आपका अराउंड 4.8 divided by आंसर, ये आ जाएगा आपका, k की वैल्यू आ रही है मेरी 0.3478 hour inverse। क्लियर है, सिंपल है, इक्वेशन लगाया, k की वैल्यू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ अ सॉइल इन अ स्मॉल कैचमेंट वॉज फाउंड टू बी 6 cm per hour बिफोर अ रेनफॉल इवेंट। ठीक है, इट वॉज फाउंड टू बी 1.2 cm per hour, मतलब पहले क्या था, 1.2 cm per hour था, तो ये क्या हो जाएगा आपका, एफ सी हो जाएगा, ये कॉन्स्टेंट इन्फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, और जब बारिश हुई तो ये ऑटोमेटिक बढ़ गया, कितना हो गया, 6, तो ये क्या हो जाएगा आपका, एफ नॉट।
सेंटीमीटर पर आवर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हम क्या पूछ रहा है, टोटल इन्फिल्ट्रेशन ड्यूरिंग 8 आवर पीरियड, 8 घंटे का पीरियड है और इसमें टोटल इन्फिल्ट्रेशन कितना हुआ 15 सेंटीमीटर, निकालना क्या है के की वैल्यू, ठीक है। तो 8 घंटे के लिए के की वैल्यू निकालनी है, तो मैं लिख लेता हूं इसको, टोटल इन्फिल्ट्रेशन इज इक्वल्स टू एफ सी इंटू टी प्लस एफ नॉट माइनस एफ सी अपॉन के, ठीक है। इसमें हम वो टर्म नहीं लेंगे क्योंकि जो अगर हम टाइम बहुत बड़ा होता है ना, टी टाइम बहुत बड़ा हो जाता है, तो ई टू दी पावर माइनस के टी इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है 1/k ही ले लेते हैं हम, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एफ टी कितना हो गया 15, एफ सी हो गया 1.2 इंटू 8 प्लस एफ नॉट माइनस एफ सी हो गया 6 माइनस 1.2 डिवाइडेड बाय के। तो यहाँ से के की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9.6 माइनस 15, ये हो जाएगा 5.4, है ना। तो के की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे आप, 4.8 डिवाइडेड बाय 5.4, आंसर आएगा 0.88 आवर इनवर्स, ठीक है। के की वैल्यू कितनी आएगी 0.88 आवर इनवर्स, क्लियर है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं इन्फिल्ट्रेशन के। पहला है, टोटल ऑब्जर्व्ड रन ऑफ वॉल्यूम ड्यूरिंग अ 6 आवर स्ट्रॉम विथ अ यूनिफॉर्म इंटेंसिटी ऑफ 1.5 सेंटीमीटर पर आवर, ठीक है, इज 21.6 इंटू 10^6 मीटर क्यूब। इफ द एरिया ऑफ द बेसिन इज 300 किलोमीटर स्क्वायर, फाइंड द एवरेज इन्फिल्ट्रेशन रेट ऑफ द बेसिन। सिंपल, पहले लिख लेते हैं गिवन डाटा, ठीक है। तो रन ऑफ कितना हुआ है, रन ऑफ की डेप्थ नहीं दी हुआ है, हमको दी हुई है वॉल्यूम, कितनी दी हुई है 21.6 इंटू 10^6 मीटर क्यूब, ठीक है। अब या तो आप क्या करो, या तो आप दोनों को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लो, रन ऑफ को भी, और प्रेसिपिटेशन की वैल्यू कितनी दी हुई है, प्रेसिपिटेशन, ठीक है, मैं रन ऑफ रेनफॉल को यहां पे प्रेसिपिटेशन लिख रहा हूं, ठीक है, पी लिख लेते हैं इसको, पी इसको कर लेते हैं आर, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन कितना है 1.5 सेंटीमीटर पर आवर, और कितने घंटे की बारिश है, 6 घंटे की बारिश है, और कितना हुआ है 1.5, तो मैं लिख सकता हूं 9 सेंटीमीटर। तो या तो मैं कैचमेंट एरिया से मल्टीप्लाई करके इसकी भी वॉल्यूम निकाल लूं, फिर दोनों की वॉल्यूम को माइनस करके फिर एरिया से डिवाइड करके फिर आएगी मेरी इन्फिल्ट्रेशन की डेप्थ, और डिवाइड करना पड़ेगा टाइम, या तो फिर मैं क्या करूं, इसकी इसको एरिया से डिवाइड कर दूं, रन ऑफ की भी डेप्थ आ जाएगी, इसकी भी डेप्थ आ जाएगी, टाइम से डिवाइड कर दूंगा, एवरेज आ जाएगा। चलिए तो दोनों मेथड से करके देखते हैं, ठीक है। पहले देखते हैं फाई इंडेक्स या एवरेज इन्फिल्ट्रेशन रेट का फॉर्मूला क्या होता है, पी माइनस आर इंटू टी ई। तो अब इसमें तो डायरेक्ट पूरा दिया हुआ है ना, तो हम पूरे का निकालेंगे। उस पिछले क्वेश्चन में क्या था, अलग अलग इंटरवल का दिया था, है ना, तो हम ट्रायल मेथड यूज करते थे, लेकिन इसमें डायरेक्ट दिया है तो आपको डायरेक्ट ही निकालना है, ठीक है। तो पहले हम रन ऑफ को अगर हम डेप्थ में कन्वर्ट कर दें तो कितना हो जाएगा देख लेते हैं, ये हो जाएगा अराउंड 21.6 इंटू 10^6 डिवाइडेड बाय, एरिया कितना है 300 × 10^6, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर को मीटर में कन्वर्ट करो तो 10^6 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। 21.6 डिवाइडेड बाय 300 डायरेक्ट कर देते हैं तो ये आता है 0.072 मीटर। तो अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूंगा तो 7.2 सेंटीमीटर। अब दोनों चीज डेप्थ में है मेरे पास, तो यहां पे ले आता हूं मैं 9 - 7.2 डिवाइडेड बाय कितने आवर्स है, 6 आवर्स करेंगे, कितना आ जाएगा, ये आएगा 0.3, देख लेते हैं, 9 - 7.2 डिवाइड बाय 6, 0.3 सेंटीमीटर पर आवर, या आप इसको लिख सकते हो 3 mm पर आवर। ये आ गया एवरेज इन्फिल्ट्रेशन रेट, ये हो गया एक टाइप से। अब आप दूसरे टाइप से भी कर सकते हो कि मैंने इस पी को कन्वर्ट कर दिया किस में, डिवाइडेड बाय 100 कन्वर्ट कर दिया वॉल्यूम में, इस रेनफॉल को, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा अराउंड
9 डिवाइड बाय 100 इंटू 300 इंटू 10 टू द पावर 6, ये हो जाएगा मेरा 27 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर क्यूब। ठीक है, अब हम दूसरे टाइप से भी निकाल सकते हैं फाई इंडेक्स को। तो पहले निकाल लेते हैं इनफिल्ट्रेशन वॉल्यूम, इनफिल्ट्रेशन वॉल्यूम ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 27 माइनस 21.6 होल मल्टीप्लाई विथ 10 टू द पावर 6। तो कितना आ जाएगा ये हम देख लेते हैं, 27 माइनस 21.6 ये हो जाएगा 5.4 इंटू 10 टू द पावर 6। अब अगर मैं इसको एरिया से डिवाइड कर देता हूँ 300 इंटू 10 टू द पावर 6, तो आ जाएगा मेरे पास 5.4 डिवाइडेड बाय 300। चलिए आ गया मेरे पास इन्फिल्ट्रेशन की टोटल डेप्थ कितनी आ गई, 0.018 मीटर। अब इसको सेंटीमीटर या एमएम में कन्वर्ट करूंगा मैं, मान लो डायरेक्ट हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं तो 1.8 सेंटीमीटर। ये क्या था, टोटल वॉल्यूम थी, ये क्या है इन्फिल्ट्रेशन की डेप्थ हो गई। ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन की वॉल्यूम आ गई यहां से, ये हमने निकाल ली डेप्थ। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं एवरेज इन्फिल्ट्रेशन। ठीक है, एवरेज इन्फिल्ट्रेशन तो क्या करना पड़ेगा हमको, एवरेज इन्फिल्ट्रेशन के लिए डिवाइडेड बाय 6 करना पड़ेगा क्योंकि 6 घंटे थे। तो दूसरा आंसर भी कितना आ रहा है, 3 mm पर आवर। ठीक है, देखो ये आएगा आपका 0.3 सेंटीमीटर, mm में कन्वर्ट करोगे तो 3 mm पर आवर। तो दोनों मेथड में से जो सिंपल लगे, मुझे ये सिंपल लगती है तो मैं ऐसे करता हूँ, आपको जो सिंपल लगे वो कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है द रेनफॉल ऑन 5 सक्सेसिव डेज। ठीक है, 5 दिन लगातार जो बारिश हुई उसका डाटा दिया है हमको। ऑन अ कैचमेंट वर 2, 6, 9, 5, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम इसको और सिंपल करने के लिए टेबल बना लेते हैं मान लो। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कितने दिन बारिश हुई, 5 दिन बारिश हुई। कितनी कितनी हुई, पहले दिन हुई 2 सेंटीमीटर, तीसरे दिन हुई है, यहाँ लिख लेते हैं टाइम, यहाँ लिख लेते हैं रेनफॉल। ठीक है, टाइम किस में है, डे में है, रेनफॉल किस में है, सेंटीमीटर में। ठीक है, पहले दिन 2 हुई, दूसरे दिन कितनी हुई है, दूसरे दिन हुई है 6, 9, 6, 9, 5 और 3। ठीक है, अब देखते हैं द फाई इंडेक्स फॉर द स्ट्रॉम कैन बी एज्यूम्ड एज 3 सेंटीमीटर पर डे। फाई इंडेक्स कितना है, फाई इंडेक्स है मेरा 3 सेंटीमीटर पर डे। ठीक है, फाई इंडेक्स कितना आ रहा है, 3 सेंटीमीटर पर डे। अब हमने देखा था एक चीज कि जहां पे फाई इंडेक्स से अगर कम है रेनफॉल तो वहां पे रन ऑफ नहीं होता, और पूछा क्या है, फाइंड द टोटल सरफेस रन ऑफ फ्रॉम द कैचमेंट। ठीक है, हमको क्या निकालना है, टोटल सरफेस रन ऑफ ऑफ द कैचमेंट इन सेंटीमीटर। ठीक है, डेप्थ में निकालना है। ठीक है, अब बताओ पहले ही ये दोनों कट गए क्योंकि ये दोनों आवर्स में रन ऑफ हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, क्योंकि फाई इंडेक्स पहले से दिया है 3 सेंटीमीटर, यहां पे 3 सेंटीमीटर से कम है 2 है, तो यहां रन ऑफ होगा नहीं होगा, यहां 3 के बराबर है तो यहां रन ऑफ होगा नहीं होगा। मैंने शुरू में 3 डायग्राम बताए थे ना, जब इंटेंसिटी बराबर होती है ना, इंटेंसिटी भी और आपकी इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी भी, तो एक्चुअल इन्फिल्ट्रेशन भी किसके बराबर होता है, उन्हीं दोनों के बराबर, तो एक्चुअल इन्फिल्ट्रेशन भी 3 होगा, तो यहां रन ऑफ होगा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो बचते हैं ये 3। ठीक है, तो इससे निकाल लेंगे तो प्रेसिपिटेशन कितना आ रहा है, प्रेसिपिटेशन आ रहा है 6 + 9 + 5 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और इन्फिल्ट्रेशन कितना आ रहा है, इन्फिल्ट्रेशन 3 हुआ है और ये 3 घंटों में हुआ है ना, तो ये आ रहा है 9 सेंटीमीटर। तो मेरा रन ऑफ क्या हो जाएगा, रन ऑफ हो जाएगा 20 माइनस 9,
ये हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। अब अगर ये समझ में ना आया हो तो हम इसको फॉर्मूले से कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या था, फाई इंडेक्स इज इक्वल्स टू पी माइनस आर अपॉन टी ई, जितने टाइम रन ऑफ हुआ होगा। तो प्रेसिपिटेशन कितना आया मेरा, प्रेसिपिटेशन आया मेरा 20 माइनस आर मेरे पास नहीं है। फाई इंडेक्स कितना है, फाई इंडेक्स है 3 डिवाइडेड बाय 3 कितने, 3 घंटे में हो रहा है ना, सिर्फ रन ऑफ सिर्फ 3 घंटे का हो रहा है, इसलिए 3। टी क्या था, टी वो टाइम है जिस टाइम रन ऑफ होता है ना। चलो तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से भी आएगा 11 सेंटीमीटर। सेम मेथड है, या तो ऐसे कर लो या वैसे कर लो, बात एक ही है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, द टोटल रेनफॉल इन अ कैचमेंट ऑफ अ एरिया 1000 किलोमीटर स्क्वायर। एरिया दिया हुआ है, ड्यूरिंग अ 6 आवर स्ट्रॉम इज 19 सेंटीमीटर। द सरफेस रन ऑफ ड्यू टू दिस स्ट्रॉम इज 1 × 10⁸ मीटर क्यूब। द फाई इंडेक्स फॉर दिस स्ट्रॉम इन सेंटीमीटर पर आवर। चलिए तो डाटा लिख लेते हैं पहले। प्रेसिपिटेशन कितना हुआ है, 19 सेंटीमीटर। तो जैसा हमने पहले क्वेश्चन को दो तरीके से बनाया था, ये था फर्स्ट, ये था सेकंड, वैसे ही आप इसको भी दो तरीके से बना सकते हो, लेकिन मैं एक ही तरीके से बनाऊंगा, एक तरीके से आप ट्राई करना। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं रन ऑफ की कितनी है वॉल्यूम। रन ऑफ की वॉल्यूम है 1 × 10⁸। तो मुझे कौन सा तरीका पसंद है कि जब आप दोनों को डेप्थ में कन्वर्ट कर लो इजी हो जाता है। ठीक है, तो रन ऑफ को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, डेप्थ में। उसके लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे हम एरिया से। एरिया कितना है, 1000 × 10⁶। जब रन ऑफ निकालोगे तो ये ऑटोमेटिक कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर आना चाहिए। देख लेते हैं कितना आ रहा है, मेरे ख्याल से 10 ही आएगा। तो ये आया 0.1 सेंटीमीटर में 10 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे आप, अब हम निकालेंगे फाई इंडेक्स। फाई इंडेक्स क्या होता है, फाई इंडेक्स का फॉर्मूला होता है पी माइनस आर डिवाइडेड बाय टी ई। पी कितना है, पी है 19, आर है 10 डिवाइडेड बाय कितने आवर की बारिश हुई है, 6 आवर की, लिखा हुआ है ना 6 घंटे की बारिश, डिवाइडेड बाय 6। कितना आएगा, ये आएगा 19 माइनस 10, 9 / 6, 1.5 सेंटीमीटर पर आवर। आंसर आ गया मेरा 1.5 सेंटीमीटर पर आवर। अब आप इसको दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हो, प्रेसिपिटेशन से मल्टीप्लाई कर दो एरिया, ठीक है, फिर दोनों की वॉल्यूम माइनस कर दो, जैसा हमने वहाँ किया था फर्स्ट क्वेश्चन में, है ना, दोनों की वॉल्यूम माइनस कर दो फिर डिवाइड कर दो टोटल एरिया से, तो भी आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत बढ़िया है। रेनफॉल फॉर 3 सक्सेसिव 2 आवर पीरियड। ठीक है, तो टाइम लिख लेते हैं हम, टाइम एंड रेनफॉल। टाइम किस में रहेगा, टाइम रहेगा आवर में और रेनफॉल रहेगी सेंटीमीटर में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको बोला था क्या बनाना है, तीसरा एक और चीज बनानी है, रेनफॉल इंटेंसिटी। रेनफॉल इंटेंसिटी ये किस में होगी, ये होगी सेंटीमीटर पर आवर में। ठीक है, चलो अब हम पहले लिख लेते हैं टाइम। तो क्या बोल रहा है, रेनफॉल फॉर 3 सक्सेसिव 2 आवर पीरियड। ठीक है, तो पहला हो गया 0 से 2, दूसरा हो गया 2 से 4, तीसरा हो गया 4 से 6। तो ये सक्सेसिव हो गए 2 आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम, इसमें डेप्थ कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर है डेप्थ लिखा हुआ, ये इंटेंसिटी नहीं है, डेप्थ है, यूनिट से पहचानना है। ठीक है, 0.5, ये है 2.8, ये है 1.6, क्लियर है। अब देखते हैं हम इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, क्योंकि पहले वाला जो मैंने क्वेश्चन बनाया था उसमें ड्यूरेशन कितना था, 1 आवर का, तो इंटेंसिटी और डेप्थ सेम आती थी, लेकिन यहाँ पे ड्यूरेशन कितना है, 2 आवर का है। ठीक है, तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, क्योंकि 2 घंटे में 0.5 सेंटीमीटर अगर बारिश हुई है तो 1 घंटे में कितनी हुई होगी, आधी, कितनी हुई होगी, 0.25 सेंटीमीटर पर आवर।
ठीक है, 2 घंटे में 2.8 सेंटीमीटर पानी गिरा है, तो 1 घंटे में कितना गिरा होगा, 1.4। 2 घंटे में 1.6 गिरा है, तो 1 घंटे में 0.8। ठीक है, इसलिए इंटेंसिटी निकालना जरूरी है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं ट्रायल वन। जब मैंने ट्रायल वन लिया तो ट्रायल वन में तो हम सबको कंसीडर करते हैं, तो प्रेसिपिटेशन कितना हो जाएगा ट्रायल वन में, 0.5 प्लस 2.8, 0.5 प्लस 2.8 प्लस 1.6 कितना होगा, ये हो जाएगा ये मेरा 4.9 सेंटीमीटर। ठीक है, आर कितना दिया हुआ है, आर ऑलरेडी गिवन है 3.2 सेंटीमीटर, और मैं टी कितना लूंगा, टी इफेक्टिव टाइम ऑफ रन ऑफ, अभी तो मैं पूरा ही कंसीडर करूंगा फर्स्ट ट्रायल में, तो कितना लूंगा मैं 6 आवर्स। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करेंगे। फाई इंडेक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, फाई इंडेक्स इज इक्वल्स टू 4.9, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं मैं बार बार, ठीक है, पी माइनस आर डिवाइडेड बाय 6, कितना आ जाएगा, ये आएगा अराउंड 4.9 माइनस 3.2 डिवाइडेड बाय 6, ये आएगा 0.833 सेंटीमीटर पर आवर। ठीक है, तो आपको क्या लगेगा अब कि हाँ भाई इससे तो सभी बड़े हैं ना, अगर डेप्थ देख लोगे तो आपको क्या लगेगा कि इससे तो सभी बड़े हैं, लेकिन आपको देखना क्या है, आपको देखना है इंटेंसिटी, इसलिए मैंने दो कॉलम बनाए। ठीक है, आपको देखना क्या है, क्योंकि इसका यूनिट क्या है, फाई इंडेक्स का सेंटीमीटर पर आवर, तो देखोगे किसको, सेम यूनिट वाले को, सेंटीमीटर पर आवर, गलती मत करना इसको देख के। ठीक है, तो बताओ कौन सा छोटा है, ये बड़ा है, 0.8 बड़ा है 0.288 से, ये भी बड़ा है, ये छोटा है, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि इसमें रन ऑफ नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन ही 0.2283 है, 283 सॉरी, तो बारिश तो 25 हो रही है ना, तो पूरी की पूरी कहाँ हो जाएगी, इन्फिल्ट्रेट हो जाएगी, है ना, जमीन के अंदर, इसमें रन ऑफ होगा नहीं होगा, है ना। तो हम लेंगे सेकेंड ट्रायल, ट्रायल टू। अब पी कितना हो जाएगा प्रेसिपिटेशन, अब प्रेसिपिटेशन में हम क्या कर देंगे, माइनस 0.5, 1 घंटे में 0.25 गिरा, 2 घंटे में 0.5, तो पी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5 माइनस करेंगे तो 4.4 सेंटीमीटर। रन ऑफ में कुछ चेंज होगा क्या, रन ऑफ तो वही है क्योंकि इन 2 घंटों में रन ऑफ हो रहा था, नहीं हो रहा था। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3.2। इफेक्टिव टाइम ऑफ रन ऑफ क्या हो जाएगा, कितने घंटे रन ऑफ हुआ, पहले 2 घंटे तो नहीं हुआ, बाकी के 2 घंटों में हुआ, तो ये कितना हो जाएगा, 4। चलिए अब फाई इंडेक्स निकालेंगे, फाई इंडेक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला, पी माइनस आर डिवाइडेड बाय टी ई, तो पी है मेरा 4.9, सॉरी इस केस में है गया है ये 4.4 माइनस 3.2 डिवाइडेड बाय 4, सिंपल दिख रहा है, 1.2 आएगा, 1.2 डिवाइड बाय 4, 0.3 सेंटीमीटर पर आवर, दिख रहा है 0.3 सेंटीमीटर पर आवर। अब चेक करो, अब कोई है इससे छोटा 0.3 से, 0.8 भी बड़ा है और 1.4 भी बड़ा है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका, 0.3 सेंटीमीटर पर आवर, क्लियर है।